आज हम लोग गुरु नीति फिजिक्स का 5/45 टोटल 45 में से पांचवा वीडियो शूट करने जा रहे हैं फिर किशोर सर और मैसेल्फ श्रवण। दोस्तों आज है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको पर एनएलएम कहते हैं। ये एनएलएम को लेके मैं एक फंडा पहले क्लियर कर दूं, इसको यदि आप आईटी लेवल पे लिख जाते हो ना तब तो अनंत है, फायदा नहीं होता, तब तो नहीं, इसका अनंत है ये मामला। और मेडिकल लेवल पे बड़े बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उन्हीं पे आप रहोगे तो मेडिकल के एग्जाम को आप आराम से क्रैक कर लोगे, आप एनएलएम के क्वेश्चन को एग्जाम में करके आ जाओगे। इसलिए धरातली बिल्कुल ग्राउंड की पढ़ाई करने इस टॉपिक की शुरू करें। आइडिया पेन पकड़े और बात को शुरू करें भैया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वो कहता व्हेन ए बस डनली टेक्स टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ, वो कहता जब अचानक बस उड़ती है तो यात्रियों पे भार की ओर धक्का लगता है, इसको अपन कहते हैं दिशा का जड़त्व है। तो इसका आप जानते हो दोस्तों न्यूटन गति के तीन नियम हैं। फर्स्ट नियम यह कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी और गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी। जैसे एक एग्जांपल है, आप बस खड़ी है और अचानक बस चल जाए तो आप पीछे गिरते हो, बस चल रही है अचानक ब्रेक लगे तो आप आगे गिरते हो, क्योंकि पहले जब बस खड़ी थी तो आप चलने का विरोध करोगे और आप यदि बस चल रही है तो रुकने का विरोध करोगे। पढ़ाई में ऐसा होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको रूम पे टेबल छोड़ने में दिक्कत होती है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको रूम में बैठ के टेबल पे आने में दिक्कत होती है। ये भी जड़त्व का नियम ही है। ओके डियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। किशोर भाई क्वेश्चन नंबर दो जो है ना, इसको बच्चों करने से पहले कई सारी बातों पर हम आपसे डिस्कस भी करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ लेते। क्या कहता है कि लिफ्ट का मास 2000 किलो है, इस लटकाने वाली केबल का जो टेंशन है वो 28,000 न्यूटन है, तब इसका त्वरण क्या होगा। देखो भाई एक बार ध्यान सुनना, दो शब्द होते हैं दोस्तों एफ इक्वल टू एम जी, इसको तो दोस्तों कहते हैं मास, इसको तो पूरे को कहते हैं मास, और इस पूरे को या इस एफ को कहते हैं वेट। वेट यहां एक बात ध्यान चाहो क्लास का, मास का मतलब केजी, वेट का मतलब न्यूटन। तो ये 28,000 न्यूटन का मतलब उसका भार का हो चाहे तनाव बल को, एक ही बात है, भार का हो वेट का हो फोर्स को, पर इस फोर्स का एक व्यक्तिगत नाम है टेंशन फोर्स, तनाव बल। ये दोस्तों 2000 केजी है, इसका मास है। ध्यान साथ दे, केजी एक बात और सुन लेना, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है, तो जी से मल्टीप्लाई फोर्स क्या होता है, तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली बात आपके सामने यहां क्लियर होगी। दूसरा दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमें किशोर पुत्र यहां दो बातें करनी पड़ेंगी। दो प्रकार के फ्रेम होते हैं फिजिक्स में, एक होती है जड़त्व इनर्शियल, एक होती है एजड़त्व नॉन इनर्शियल। सुन लो क्या क्या होता है। जड़त्व फ्रेम क्या है, जड़त्व फ्रेम में दोस्तों ए इक्वल टू जीरो होता है और एफ इक्वल टू जीरो होता है। इस पे न्यूटन की गति के नियम लगते हैं। ध्यान से चाहूं क्लास का मैं, इसका दोस्तों ए जीरो होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जड़त्व फ्रेम की, इनर्शियल फ्रेम की, ए जीरो है एफ जीरो है, न्यूटन की गति के समीकरण लगते हैं। और ये हकीकत मतलब कैसे होता है, जैसे किसी पेड़ से सेब गिर रहा है, पेड़ से सेब गिरा तो पृथ्वी को अपन क्या मान सकते हैं, इनर्शियल, जड़त्व फ्रेम मान सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम मान, जब हकीकत नहीं आई है। देखो हकीकत में तो कोई भी जड़त्व फ्रेम है हो ही नहीं सकती, लेकिन सेब और अर्थ को तुलना करें तो दोस्तों सेब अर्थ के सापेक्ष कुछ नहीं है। तो अपने पेड़ से कोई सेब गिर रहा है तो अर्थ वहां क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, बोला है ना, जड़त्व फ्रेम है। एक बात, न्यूटन की गति के नियम लगते हैं, ए इक्वल टू जीरो है, एफ इक्वल टू जीरो है, और पेड़ से सेव का गिरने में अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ये किसकी बात होगी, जड़त्व फ्रेम की। अब आते हैं एजड़त्व नॉन इनर्शियल। दोस्तों नॉन इनर्शियल में ए नॉट इक्वल टू जीरो बट एफ इक्वल टू जीरो, ये थोड़ा सा मजाक लगता है, एफ नॉट इक्वल टू जीरो बट सॉरी ए नॉट इक्वल टू जीरो बट एफ इक्वल टू जीरो, ये छदम बल है, इसको सुडो फोर्स कहते हैं। तो सुनो क्या क्या है, इस पे ए जीरो नहीं है फिर भी एफ जीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इस पे न्यूटन के समीकरण लगते ही नहीं है। और एक बात ध्यान सुना दोस्तों, इसमें एक सुडो फोर्स लगता है, छदम बल लगता है, जो हमेशा त्वरण के विपरीत लगता है, अपोजिट इन एक्सीलरेशन, ध्यान देना रहे, अपोजिट इन एक्सीलरेशन, इसका मतलब विथ रिटार्डेशन, मंदन के विपरीत है तो सॉरी त्वरण के विपरीत है तो मंदन के साथ होगा भाई, एक्सीलरेशन के अपोजिट है तो रिटार्डेशन के साथ हो जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल दोस्तों आप जानते हो, लिफ्ट है, कार का मुड़ना है,
ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन इनिशियल फ्रेम के हैं। तो मैं मेरी बात को यही समाप्त करता हूं। एक इनिशियल फ्रेम है, एक फ्रेम नॉन इनिशियल है। तो दोस्तों अब इस पे आ जाओ और मुद्दे की बात एक सुन लेना रहे। लिफ्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कौन है? नॉन इनिशियल है, जिसमें एक सुडो फोर्स लगेगा। बात का सार नहीं, एक सुडो फोर्स लगेगा जो हमेशा गति के विपरीत लगेगा। अब तो उसको खुद देख, तेरे सामने सामने ये कोई एक लिफ्ट है पुत्र, ये लिफ्ट किसी इससे वायर से जुड़ी हुई है। अगला साफ कहते लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एम ए भी किधर आएगा? नीचे की ओर। एम जी भी किधर आएगा? नीचे की ओर। टी किधर जाएगा? ऊपर की ओर। बस एफ बी डी टाइप डालो तो तेरे सामने सामने क्या बन गया? एम जी प्लस एम ए। एम टी क्या है बोलना? 18,000। एम जी क्या है? 20,000, क्योंकि एम 20 है, प्लस एम ए। ये दोस्तों 28 बचेगा, ये 8,000। 8,000 इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाई ए से कैंसिल आउट कर दो। ए की वैल्यू 4 है। अब आपको पता है दिखाया तो एमए नीचे की ओर है, पर दोस्तों ओवरऑल मोमेंट किधर है? ऊपर की ओर। 4 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इस गड़बड़ हो गए, ये पर सेकंड स्क्वायर है, त्वरण का मात्रक सेकंड स्क्वायर होता है। ये सारे गलत हो गए, ये सारे करेक्शन है, देख देख लेना भाई। ओके डियर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रुक जा, जल्दीबाजी नहीं। गति के विपरीत लगा, गति किधर है? ऊपर की ओर। mg mg से किधर होता है? नीचे की ओर। ma किधर? नीचे की ओर। किससे बैलेंस कर रहा है? t से। और दोस्तों आप खुद देखते हो जब mg और ma की वैल्यू t से ज्यादा हो जाएगी तो आपकी रस्सी टूट जाती है। क्लियर? एक बार ध्यान सुनना, लिफ्ट कभी भी नीचे गिरते समय रस्सी टूटती नहीं है, लिफ्ट हमेशा ऊपर जाते समय रस्सी उसकी टूटती है। क्लियर? इसी के साथ इस बात को पूरा कर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको अपन फिजिक्स बोल जाओ, इसको अब बेसिक फिजिक्स से नहीं करते हैं, जिंदगी में बेसिक फंडे से करते हैं। देख, ये एक लिफ्ट है, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, ये एक गेंद छोड़ता है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। ये आप मान लो कि आपकी जमीन है, जमीन पे व्यक्ति खड़ा है, ये वाला। थोड़ा सा बात सुन, एक लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण अल्फा इस ए मान ले रही है, बार बार ए से गति कर रही है, तो लिफ्ट किधर? नीचे से ए से आ। अब एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर गेंद को गिरा देता है। दोस्तों जैसे गेंद को गिराओगे, गेंद को छोड़ते ही गेंद किससे गिरेगी? जी से। अब ध्यान दे, लिफ्ट किससे गिर रही है? ए से। गेंद किससे गिर रही है? जी से। तो इस आदमी के सापेक्ष क्या हो गया? जी माइनस ए। क्या हो गया? जी माइनस ए। पर जो यहां जो बंदा खड़ा है उसके लिए क्या है? जी से। की बस सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना एनएलएम में फिजिक्स मत लगाओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया जी माइनस ए और जी। एक बार फिर सुन ले दान दे क्लास कि ये आदमी, देखो ये पूरा ताम धाम ए त्वरण से नीचे आ रहा है। अब यदि मैं इस बॉल को छोड़ता हूं तो बॉल को छोड़ते बॉल कहां गिरेगी? फ्रीली फॉल डाउन। किसमें होगी? जी में। वो किससे आ रही है? जी से। व्यक्ति किससे आ रहा है? सिस्टम पूरा एक बात है, सिस्टम बॉल पूरी किससे आ रही है? ए से। लेकिन अब बॉल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये ए से आ रही है, ये जी से आ रही है, तो रिजल्ट क्या होगा? जी माइनस ए। क्लियर? और यहां जो बंदा खड़ा है उसको क्या लगता है कि एक गेंद फ्रीली गिर रही है? सीधी सी बात, उसका जी बोला है ना, बिल्कुल। तो एक आंसर जी माइनस ए हो गया और एक आंसर आपका जी हो गया। इसमें सुडो फोर्स उन पे जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। ओके डियर, आगे चलो। किशोर सर, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी इच्छा है कि लिफ्ट की पूरी बात करते हैं। ये कहता है लिफ्ट, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा? पेज खाली करने में देखो दोस्तों, पेज खाली करो, ये कोई लिफ्ट है। किशोर सर बात शुरू करूं? yes. ये लिफ्ट सपोज करो ऊपर की ओर जा रही है और इसका v सपोज करो कांस्टेंट है, तो a इक्वल टू 0 है, तो यहाँ g डैश जो है वो किसके बराबर है? g के बराबर है, और यहाँ वास्तविक भार आभासी भार एक जैसा है, ये चाहे ऊपर जा रही हूं चाहे नीचे आ रही। बात पूरी करें एक साथ, लिफ्ट रुकी हुई है तो बात ही नहीं है। लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेग से ऊपर जाए चाहे कॉन्स्टेंट वेग से नीचे आए, ए का मान क्या होगा? जीरो। जी डैश जो है ना वो क्या होता है? जी प्लस माइनस ए होता है, पर जब ए जीरो हो गया तो तेरे सामने सामने जी डैश क्या बन गया? जी। तो जी डैश तो जी बन गया, तो एफ डैश को अपन क्या कहेंगे? एम जी डैश। तो ना तो भार में कमी होती है ना भार वृद्धि होती है, पहला केस है। कब? जब वी कॉन्स्टेंट है। ओके डियर, एक को मिटा देता हूं मैं। अब अपन एक काम करते हैं, ये लिफ्ट ऊपरी जा रही है, जा रही है ऊपर, लेकिन ए जो है वो जीरो नहीं है और जीरो नहीं भी है और जी से कम है। ये भी ध्यान रखना, ए जीरो भी नहीं है और जी से कम है, लेकिन दोस्तों ऊपर जा रही है ना,
तो ऊपर जा रही है तो g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, g प्लस a, तो आपका जो f डैश है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यदि दोस्तों ये ऊपर जा रही है और a है वो g के बराबर हो गया, ध्यान देना क्लास, a g के बराबर हो गया तो भाई g डैश इक्वल टू g प्लस a, ये दोस्तों आपके सामने सामने g डैश इक्वल टू 2g, मैं ये कह सकता हूं इस सिस्टम में बॉडी का वेट एक्चुअल भार का डबल हो गया। बोलो हाँ ना, यस। a जीरो नहीं है, जिस छोटा है जी के बराबर हो गया, और दोस्तों जी से बड़ा फिर वो थोड़े ऐ वाली सी बात लगती है, यहां तक बात होगी। अगर इसको उल्टा पूछ देता है कि किस कोण से गति करेगा तो क्या हो जाए, दूर हाथ पास हो गया। अब आगे चलो, अब दोस्तों लिफ्ट है, ये लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, वो वी कांस्टेंट है तो दिक्कत ही नहीं, नीचे आ रही है और ए दोस्तों जी से कम है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ए जी से कम नीचे आ रही है ना, देख ध्यान देना, तो mg किधर है, नीचे की ओर, ये नीचे आ रही है तो इस पर सुडो फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो दोस्तों यहां जो रिजल्टेंट g डैश है वो g माइनस ए आएगा, तो तेरे सामने सामने जो f डैश है वो f से कम हो जाएगा। और यह बहुत सुंदर चीज दोस्तों, यदि ऐसी कंडीशन में a g के बराबर हो जाए तो तेरे सामने भाई g डैश का मान जीरो हो जाएगा, ये वेटलेस कंडीशन हो जाएगी, बता हाँ या ना, ये चीज काम की। और इसी को मैं देख किशोर पुत्र, मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, इसमें कोई ए त्वरण है, इसमें भी कोई ए त्वरण है, दोस्तों लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो पेन चेंज करूं, तेरे लिए कलर चेंज करूं, ये कलर चेंज करके मैं कहूं इसका एम जी किधर है, नीचे की ओर, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एम ए भी किधर है, नीचे की ओर, दोस्तों इसमें एम जी किधर है, नीचे की ओर, लिफ्ट नीचे आ रही है, एम ए किधर होगा, ऊपर की ओर, ओके ओके, बोलो बोलो। तो दोस्तों परिणामी जो एम जी डैश है, नॉट एम जी डैश सॉरी, परिणामी जो एफ है वो क्या होगा, mg plus ma। दोस्तों अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां जो रिजल्टेंट g डैश है वो g प्लस a हो जाता है, और यहां पर खुद देखो यारो, परिणामी f डैश है, mg किधर है, नीचे की ओर, ma किधर है, ऊपर की ओर, ओवरऑल बॉडी किधर आ रही है, नीचे की ओर, तो बड़ा कौन हुआ, mg, तो mg माइनस ma, तो आप इसको ये भी कह सकते हो g डैश इक्वल टू g माइनस a। मेरी क्लास का सिस्टम कह रहा हूं ये नॉन इनिशियल फ्रेम है, एजेंट में फ्रेम है, लिफ्ट का एग्जाम्पल है, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो दोस्तों आपका शुडो फोर्स नीचे लगेगा, लिफ्ट नीचे आएगी शुडो फोर्स ऊपर लगेगा। मोटी बात क्या है, ऊपर जाते समय भार में वृद्धि होती है, नीचे आते समय कमी होती है, गति क्या होनी चाहिए, त्वरित, गति क्या होनी चाहिए, एक्सीलरेट, और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो भाई ना भार में ऊपर जाते समय परिवर्तन होगा, ना नीचे आते से परिवर्तन होगा, शायद इस क्लास का एक श्रेष्ठ एग्जांपल आपको दे दिया। बोला है इसके ट्रिक बता दो, बॉस बताओ ट्रिक बता दो, जैसे अपन ये g डैश कर रहे हैं यहां पुत्र, g डैश इक्वल टू अपन लिखते हैं g, आपने लिखा पहले प्लस माइनस a, यस, अब ये प्लस दो चीजें अप, यस, आपका डाउन, ठीक है, या नीचे डाउन, डाउन, अब का लास्ट वर्ड क्या है, p, पॉजिटिव, पॉजिटिव, डाउन का लास्ट क्या है, नेगेटिव, हेलो, ये हमारे किशोर की ट्रिक्स पड़ी हुई है, पले पड़ी, तो ये काम, ओके, थैंक यू, आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे आओ, तो इसका प्रश्न कर लो, तो अब देखो, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा, वास्तविक भार से कम होगा, लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नियंत्रण से ऊपर संभव नहीं है, लिफ्ट नियंत्रण नीचे की गति करती है, सही है, लिफ्ट एक समान वेग मतलब भी नहीं है, एक समान वेग मतलब भी नहीं है, बोलो हो गया ना, ऐसे पहले थोड़े पढ़ के डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है मानते हम लोग, लेकिन शायद बात का मजा आपको आ जाएगा। शूडो फोर्स को लेके लोग बहुत कंफ्यूज हैं, शूडो फोर्स की बात है पूरी हो चुकी है आपकी समय, थैंक यू, आगे चले, शूडो मतलब झूठा, शूडो मतलब एग्जाम्पल शूडो का, yes. जैसे आप बस में बैठे हो और अचानक बस के ब्रेक लगते हैं तो आप आगे सीट पर टकराते हो, धक्का किसने दिया आपको, आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगता है तो हमारा सर अगली सीट पर टकराता है, तो लगता धक्का दिया, धक्का नहीं दिया, वो शूडो बल था, क्यों, क्योंकि आपने जड़त्व का वहां विरोध किया, सीधी सी बात है। आ जाओ, एक डोरी से बंधे गोले को ऊपर की दिशा में त्वरित किया गया, गोले के भार से चार गुना सामर्थ्य में डोरी टूट जाती है, तब गोले के अधिकतम त्वरण क्या होगा, जिसे घुमाने पर डोरी नहीं टूटे। देखो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, आपको ये साफ कहता कि फोर टाइम तो नहीं टूटे, एक जी खुद होता है, थ्री जी और जोड़ दे यार, क्या दिमाग है, अभी तो बात हुई यार, अभी तो बात हुई मेरे भाई, अभी तो बात हुई जी डैश, अभी तो बात हुई पुत्र, जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए, इसको फोर टाइम करना है, तो फोर जी कब होगा यार, जब तू जी में क्या जोड़ दे, थ्री जी, सिंपल हो गया, बोल बोल बिल्कुल सही,
बेसिक सिंपल बातें क्यों ये भाई फोर टाइम नहीं टूटता है तो एक जी तो होना ही है। अब सुडो फोर्स ऐसा पैदा कर दे कि थ्री जी उसमें और जोड़ दे तो जी और थ्री जी क्या हो गया, और सी जी हो गया। आगे चलो भैया, फिर आ गया एक व्यक्ति का लिफ्ट में बाहर। देखो ये रेशियो ऑफ द वेट ऑफ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट एंड वेट मूविंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज 3:2 तो द वैल्यू ऑफ ए। देखो देखो इसमें पेन नहीं चलाऊंगा, ये रखा पेन यार बिना पेन करते हैं इसको। क्या कहता है, एक व्यक्ति का लिफ्ट में बाहर जब लिफ्ट स्थिर है, लिफ्ट स्थिर है जब वो एक समान त्वरण ए से नीचे आती है तो 3:2 है तो ए का मान क्या है। सुन ले भाई, अगला स्पष्ट कहता तेरे सामने कि लिफ्ट में बाहर जब लिफ्ट स्थिर है तो लिफ्ट स्थिर है तब तो इसको मैं कहूंगा एफ F1 कह दो उसको, तो वो तो तेरे सामने होगा mg। क्लियर। अब वो लिफ्ट एक समान त्वरण ए से नीचे आ रही है, देख नीचे इसको F2 कह दे और उसका जो F2 है वो कॉमन सेंस की बात है तेरा g-a होगा। ये बात हो चुकी, नीचे की ओर आ रही तो जी में प्लस ए हो ही नहीं सकता। और दोस्तों इन दोनों का भाग दें, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये रेशियो आता 3:2, एम से एम कैंसिल आउट कर दे तो ये तेरे सामने सामने तो ए का मान क्या है, तो ए का मान निकाल दूं ये देख 2g = 3g - 3a, 3a को पुत्र इधर लिया और ये तेरे सामने इधर लिया तो तेरे सामने सामने ए का मान इसका आ गया g/3, ए का मान तेरे सामने आ गया डियर g/3। तो दोस्तों एक सुंदर सुंदर सी प्रॉब्लम आपके सामने फिर बन गई। अब बताओ दिक्कत है क्या, दुनिया की रीत है नीचे आदमी कब गिरता है जब घटता है, ऊपर कब बढ़ता है जब बढ़ता है, ऐसी बात पड़ी है यार। ओके थैंक यू। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये भी अपने आप में, अब तो जो पढ़ा है ना उसका सारे का सार है। एक तो इसमें करेक्शन भाई, ऊपर से नीचे नहीं भैया, लिफ्ट या तो देखो लिफ्ट खड़ी है, देखो तीन क्वेश्चन है, ये लिफ्ट है पहले लिफ्ट खड़ी है, लिफ्ट खड़ी है इसका मतलब v = 0। दूसरे क्वेश्चन के अंदर पहले लिफ्ट को ऊपर ले गए फिर लिफ्ट को ये नीचे ले आया, तीनों कंडीशन में क्या एक आदमी है उसके पास एक पानी की बाल्टी से पानी गिर रहा है, यहां पानी गिर रहा है इसको इसने कहा आर ओ, ऊपर जा रही है तो पानी गिरने का नाम हो गया आर यू, नीचे आ रही है तो पानी गिरने का नाम हो गया RRD। थोड़ा फिजिक्स पे नहीं, एक और बात करो, एक लिफ्ट है खड़ी है आधा तो पानी है बाल्टी है पानी गिर रहा है, अब लिफ्ट अचानक ऊपर जाना स्टार्ट हो तो याद करो लिफ्ट ऊपर जा रही है, शूडो फोर्स किधर आएगा नीचे की ओर, तो mg भी खींच रहा है पानी को और शूडो फोर्स भी खींच रहा है तो g+a पानी ज्यादा निकलेगा, और लिफ्ट दोस्तों गिर रही है तो शूडो फोर्स किधर है ऊपर की ओर, mg किधर है नीचे की ओर, तो mg खींच रहा पानी को बट शूडो फोर्स थोड़ा सा उसको वापस अपथ्रस्ट कर रहा है तरह से बस। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कौन है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट तो सबसे ऊपर कौन है ऊपर की ओर आर यू, सबसे बड़ा कौन है आर यू, फिर बीचोड़ा कौन है आर ओ और सबसे कम कौन आर डी, पुत्र देखना कौन सा है आर यू आर ओ आर डी, इसका आंसर क्या हो गया सेकंड। तो दोस्तों 7 नंबर का एक सुंदर सा आंसर आपका सेकंड हो गया भाई। स्टूडो फोर्स कुछ नहीं है, NLM जो है वो फिजिक्स है ही नहीं, NLM को यदि महसूस करते हो तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं लिया आपके। और फिर सुन लो दोस्तों कोई सिस्टम ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है अच्छी बात है, हमेशा बढ़ा बढ़ा होता है, नीचे गिरता है घटा घटा होता है, सीधा फंडा है। और फिर झूले वाली बात है, झूला यहां होता है मजा आता है, यहां है स्पीड बढ़ती जाएगी, यहां g+a हो रहा है या g-a हो रहा है, तो आप देखो झूला ऐसे घूमता ना आकाश वाला इधर डर लगता है क्योंकि यहां आदमी लगता है मेरे भार में कमी हो रही है। फिर सुन लो मास चेंज नहीं होता है वेट चेंज होता है, मास इज स्केलर क्वांटिटी वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके डियर ये आपका पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, आगे चले भैया फिर आ जाओ। ये दोस्तों आपका लंबी थ्योरम, लंबी थ्योरम की बात करना चाहेंगे, एक बार पेज खाली कर रहे दोस्तों लंबी थ्योरम की बात करना चाहेंगे। लंबी थ्योरम इस तरह से होती है, माना कि इधर कोई T1 फोर्स है, इधर माना कि कोई T2 फोर्स है, इधर माना कि कोई T3 फोर्स है, इस एंगल को आप α3 कह दो, T1 के सामने को आप α1 कह दो, T2 के सामने आप α2 कह दो। दोस्तों ये किसी एक पॉइंट पे तीन फोर्स एक ही बात है, T10 से फोर्स हो गया, तीनों फोर्स लग रहे हैं, इट कॉल्ड एक बात था लंबी शर्त है, लंबी थ्योरम तभी लगती है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन सुनो भाई, साम्य अवस्था का मतलब भी क्या होता है
एफ नेट इक्वल टू जीरो। जब किसी बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, परिणामी फोर्स जीरो हो जाता है, इट कॉल्ड साम्य अवस्था, इट कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। और लंबी थ्योरम इसका बड़ा अच्छा यूज है। तो सीधी बात देखो दोस्तों, टी वन के सामने कोण अल्फा वन है, तो टी वन साइन अल्फा वन है दोस्तों। टी टू इक्वल टू साइन अल्फा टू, बोलो बोलो किशोर सर। टी थ्री इक्वल टू साइन अल्फा थ्री, ये याद हो तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं है भाई। और नहीं हाथ हो तो भैया फिर तो सब हार्ड हार्ड होते हैं। ये लंबी थ्योरम कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस पे एफ नेट जीरो है, ऐसे तीन फोर्स। अरे एक बात और सुनना, कई कई बार दोस्तों ऐसा एक बनाता त्रिभुज, ये फोर्स माना एफ वन है, ये फोर्स माना एफ टू है, और ये फोर्स माना एफ थ्री। सुन रहे, ये साइकिल पूरा, ये एफ टू, ये साइकिल पूरा हो गया, तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ एफ नेट का मान क्या है, जीरो है। ध्यान सुनना भैया, इसका मतलब तीनों का मान क्या है, एफ वन एफ टू एफ थ्री, ट्रायंगल के तीनों ऐसे साइकिल पूरा कर देता है, उसका मतलब एफ क्या हो जाता है, जीरो। वहां भी लंबी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटा, लंबी थ्योरम के लिए तीन बल होने चाहिए, तीनों बैलेंस होने चाहिए और समतुल्य हो, समतुल्य होने चाहिए, कोप्लानर होने चाहिए, तीन होने चाहिए और इक्विलिब्रियम होने चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। आ जाए क्वेश्चन निकाल वापस हो भैया, आप देख लो हो गया। तो आप ऐसा करो, इस बी पॉइंट पे आ जाओ लो। तो डियर आप ऐसा करो, बना लो, ये तेरा बी पॉइंट है, तो बी से ए, ये तेरा बी से ए, इधर दे दे, इधर दे दे, तेरे सामने सामने ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120, तो अपना भी क्या हो गया 120 हो गया। अब अगला साहब कहता है जाल का चित्र ए बी को 10 न्यूटन दिया, ये ए बी क्या है 10 न्यूटन। सुन यार, तीन एंगल बराबर है तो तीनों फोर्स भी क्या आएंगे भैया, बराबर आएंगे, बहुत सिंपल है यार। ले तो तू कहो साहब, हमें क्या पता कैसे है, ले कर ले यार, एक काम कर, इसको एफ वन कह दे, इसको एफ टू कह दे, चला जा। एफ वन अपॉन क्या है साइन 120, एफ टू इक्वल टू क्या है साइन 120, और ये तेरा कौन है 10 है ना, 10 इक्वल टू अपॉन क्या है साइन 120, साइन 120 साइन 120 काट दिया, ये कट गया, तो F1 बराबर F2 बराबर 10 आंसर आ गया। अरे फिजिक्स मुश्किल नहीं है यार, इसको मुश्किल लोग कर देते हैं। एक तो कुछ लोग तो इतना कॉम्प्लिकेट पढ़ा देते हैं कि बच्चों लगता है कि यार बहुत मुश्किल है। दूसरा, कागज पेन लेते ही नहीं, जब तक पेन कागज पे नहीं चलाओगे भैया, जैसे क्वेश्चन का मैंने डायग्राम बनाया, मेरा डायग्राम बनाते 120 आगे 120 तभी हो सकते हैं, ये तीनों साइन अल्फा बीटा गामा या अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री बराबर तभी हो सकते हैं, ऊपर की वैल्यू बराबर हो, कॉमन सेंस की बात है। ओके डियर आगे चले, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है दोस्तों। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया है एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी, ध्यान देना भाई, और एक बहुत प्यारा पॉइंट है भाई, और dp इक्वल टू होता है f डॉट dt। एक बात ध्यान सुनना दोस्तों, dp को बोलते हैं संवेग में परिवर्तन, और इसी को इंपल्स कहते हैं भाई, इसी को इंपल्स कहते हैं या अपने हिंदी में आवेग कहते हैं, ध्यान देना क्लास है। p तो संवेग है और p में चेंज को आवेग कहते हैं, p इज मोमेंटम, चेंज इन p इक्वल टू इंपल्स, यानी f मल्टीप्लाई dt जो है वो क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है, f इक्वल टू dp बाय dt। और हकीकत दोस्तों यही न्यूटन का सेकंड है, पेज खाली करना एक मिनट, सबसे बड़ी चीज है यही न्यूटन का सेकंड नियम है। तो डियर मैं इसको आपको डिफाइन करके बताऊं, हम जानते हैं f इक्वल टू fa होता है, पूरी बात करेंगे, a पर वेक्टर लगाना पड़ेगा, f पर वेक्टर लगाना पड़ेगा, बहुत गहराई बात करो तब तो। आगे चल, f इक्वल टू m a, a क्या है dv बाई dt है, f इक्वल टू m dv बाई dt। तो दोस्तों आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो। अब अपन इसको बात को आगे ले चले, तो ये क्या हो गया तेरा dp, भूल गया क्या, p इक्वल टू क्या होता है mv, तो एक क्वेश्चन में m तो चेंज होता नहीं है। तो दोस्तों एक बात अच्छी तरह याद कर लो भाई, किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कोई चेंज करोगे तो राइट साइड में चेंज आएगा, मास आपने बॉडी चेंज नहीं किया जितना सुने ना, बट रॉकेट के क्वेश्चन में एम भी चेंज होता है भैया, होता है। हेलो, यही क्वेश्चन रॉकेट पे आता है, रॉकेट ऊपर जाती है उसका ईंधन खर्च होता है, रॉकेट का समय के साथ साथ मास भी कम होता है, रॉकेट की बात हम करेंगे रेखीय समय संरक्षण में, अभी आज नहीं कर रहा हूं, अभी सिंपली बात कर रहा हूं, एफ इक्वल टू एम ए डीवी बाई डी टी, ये मेरे सामने सामने क्या आ गया दोस्तों,
dp/dt, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और थोड़ा सा और बात को ढंग से आपके साथ लेना चाहें तो आप दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, आप m का भी चेंज कर सकते हैं, आप a का भी चेंज कर सकते हैं। ये किस में आएगा? रॉकेट में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू m dv by dt प्लस, दोस्तों आप इस v a को बाहर ले लें, v को बाहर ले लें, और dm by dt भी कह सकते हैं। ध्यान से क्लास का, m मल्टीप्लाई dv बाई dt या v मल्टीप्लाई dm बाई dt, ये भी। लेकिन ये कब है? सुनो, यदि m कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, यदि क्वेश्चन में m कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। लेकिन रॉकेट के क्वेश्चन में आप जानते हो समय के साथ रॉकेट का मास चेंज होता है, क्यों? क्योंकि ईंधन खर्च होता है ना, तो ईंधन खत्म हो रहा रॉकेट से। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, और हकीकत देखा जाए तो न्यूटन का सेकंड नियम सबसे कीमती है, सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, इसमें जो बहुत से बल का जो सही सूत्र है ना, हाँ, जैसे अपन बल को डिफाइन करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू, F इज इक्वल टू अपन लिखते हैं उसको d, मैं p को m भी ले लो पहले से, बिल्कुल लिखो बाय dt, ऐसे लिखो, सही फॉर्मूला यही है, बल का सही फॉर्मूला है, रियल यही है। तो इसी बात को जो लिखा मैंने, आप m को बाहर ले लो तो तेरा dv by dt हो जाएगा, और तेरा v को बाहर ले लेगा तो ये तेरा dm by dt हो जाएगा। बिल्कुल वो बिल्कुल बेस्ट, सही काम है। अब जैसे क्वेश्चन में अब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया ऑप्शन आपको, सही है कि बल का सही सूत्र क्या है, लिखा m into a लिख दिया ना, मैं कहता हूं m into dy dt कर दिया ना, अगर ऑप्शन अकेला ये वहां खड़ा है ना, तो ये सही होगा, आपको यही करना पड़ेगा। ये बहुत प्यारी बात कर रहा है, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, बट ये फॉर्मूला दिया हो तो आंसर है दोस्तों आपका, ये तो स्पेशल केस हो गया, ये केस है, रियल f का फॉर्मूला ये है, और मास कांस्टेंट है, देखो ये जीरो हो जाएगा m dy dt, लेकिन मास भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, जो 90% हमारे काम किसमें आता है, रॉकेट के एग्जांपल में आता है। ओके डियर, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटू, क्वेश्चन निकालो। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील 150 ग्राम की गेंद को पकड़ता है, गेंद पकड़ने में लगा समय 0.1 सेकंड है, तो गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पे लगाएगा फोर्स, आ जा भाई, f बराबर तेरे सामने सामने dp / dt। ओके, अब तेरा m तो अच्छा, p को ऐसा लिख, तेरी और बात सुन, मैं पूरी करता हूं, dm dv / dt, m को बाहर निकाल, दिस इज dv/dt। अब देख m क्या है, 150 ग्राम यानी 0.150 कर दूं। अब देख अगला साथ कहता है क्रिकेट की गेंद है 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, और ये तेरा dv / dt है, तो 20 मीटर पर सेकंड से चलती गेंद को मैंने पकड़ दिया तो वेग जीरो हो गया ना, तो 20 से कितना वेग हुआ, जीरो, तो dv का मान कितना आया 20, और ये कितने समय में हुआ, 0.1 सेकंड में, ये 0.1 सेकंड ले ले, तो इस पॉइंट को यहां से काट के 200 कर दे, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो तेरे सामने सामने 300 आएगा, बिंदु काट दे तो आप आंसर निकाल दो, कितना आंसर इसका भैया, आप इसको ऐसे उठा के आप इसको 10^-3 करके लिख दो, तो 1, 2, 3 बिंदु कैंसिल आउट हो गए, 15^2 = 30, दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया भाई आपका, सर्टिफिकेट आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। ध्यान चाहो इस क्लास का, मैं अगला पॉइंट फिर आएगा, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे f इक्वल dp/dt आएगा। अब आपको सर dv का मान 20 कैसे लिखा, दोस्तों आपने चलती गेंद को पकड़ दिया, गेंद को आपने रेस्ट में लिया है, गेंद को आप विराम में लेके आ गए, बोलो हाँ या ना, इस तरह से आपका आंसर, कितने समय में, 0.1 सेकंड। और इसलिए आप देखो ना, अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, वो गेंद को ऐसे पकड़ के हाथ को ऐसे करते हैं ताकि आपके हाथ के चोट नहीं लगे। आप छत से कूदो, कूदना नहीं है, छत से कूदा, फर्श पे कूदो, एक मिट्टी में कूदो, चोट किस पे लगेगी, फर्श पे, क्योंकि फर्श पे कूदते ही वो सारा फोर्स आपके शरीर के अंदर जाएगा, शरीर को नुकसान देगा। मिट्टी में कूदे तो ऐसे फिसलते हुए जाएगा, तो जो फोर्स हुआ जो नुकसान दे सकता था वो फिसलने में थोड़ा सा डिवाइड हो गया सीधी से, जैसे अपन कहते हैं ना पिस्तौल से गोली छोड़ी, पिस्तौल की गोली कांच को एक छेद करके बाहर निकल जाती है, आप पत्थर फेंक के मारो कांच के, पूरा कांच टूट जाता है, तो गोली इतनी तेज निकलती है कि वो कांच के अन्य पार्टिकल को प्रभावित नहीं करती है, पत्थर की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो पूरे कांच के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देता है और पूरे कांच को तोड़ देता है, शायद यही क्वेश्चन आपके सामने ये है। ओके डियर, आगे चले, इसमें क्या है कि गेंद को रोकना है अपने को, बस समय का परिवर्तन तो हर केस में कांस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना समय ज्यादा होगा फोर्स उतना ही आगे आएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, n छोटी गेंदें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, किसी स्तर से प्रत्यास्थ u वेग से टकराती हैं, स्तर पे लगने वाले, दोस्तों ये मेरा प्रिय प्रश्न है। देखो डियर, प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब वेलोसिटी में इसका अर्थ ये है कि ये u वेग से आई, u
यू से और यू से वापस गई, जो माइनस यू हो गया। ये मेरी इस क्लास का श्रेष्ठतम है, यू वेग से आई, यू से वापस गई। तो आजा भैया परिवर्तन देख, परिवर्तन हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है माइनस एम यू, इनिशियल है माइनस एम यू। तो दोस्तों डेल्टा पी का मान हो गया माइनस टू एम यू, माइनस का मतलब मोमेंटम में कमी हुई, किसके गेंद के, तो गेंद के मोमेंटम में तो कमी हुई, तो वो संवेग कहां गया दीवार पे, तो दीवार पे कितना संवेग आ गया किसमें एक गेंद से, कुल कितनी गेंद है एन, इसको आप एन से मल्टीप्लाई करते हैं, बोला है सिंपल क्वेश्चन है। U से I, अच्छा माइनस U से क्यों गई, अगला साहब कहता है कोलिजन क्या है टोटली इलास्टिक, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी के अंदर, तो mu mu माइनस टू mu, माइनस का मतलब तो कमी हुई, वो गेंद के मोमेंटम में कमी हुई, तो वो मोमेंटम कहां ट्रांसफर हो गया दीवार, दीवार में ट्रांसफर हो गया। ओके आगे चले, अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये बड़ा सुदूर क्वेश्चन है। एक गतिमान कार की छत से एक गोले की डोरी की स्थल कह गया, ये कार क्षितिज त्वरण, साफ कहता है कार मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल। दोस्तों कहता कार क्षितिज त्वरण ए से गतिमान है, तो डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी, तो थोड़ा सा लो मैं एक कार बना देता हूं, ये माले कार है, ये इसमें एक पेंडुलम है, कार दोस्तों आगे जा रही है ऐसे अल्फा, तो पेंडुलम कॉमन सेंस की बात है इधर उठ जाएगा ऐसे, कितना उठेगा थीटा, थीटा बस। तो मैं कलर चेंज कर तेरे लिए, कलर चेंज करके दोस्तों तो स्पष्ट है ये तो कोण है ए, ये कोण है जी, तो भाई टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा ए बाई जी, टेन थीटा ए बाई जी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। ये मेरे दृष्टि में एक सबसे दुर्घटना है, गाड़ी किधर जा रही है इस तरफ, शूटो किधर लगेगा इस तरफ, सिंपल सी गाड़ी होगी, गाड़ी तबड़ी तो होगी ना, तो वैसे भी आप शूटो की बात मत बोलो यार, सिंपल बात है आप लो लेके गाड़ी चले तो वो पीछे घिसकेगा, ठीक है ना, बस। तो ये कितना है ए, ये कितना है जी, शूटो शब्द यहां पर अपन भूल जाने बोले मान लो, ओके डियर। तो आपके सामने टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, ओके डियर आगे चले। हाँ तो क्वेश्चन पुत्र, क्वेश्चन बार हुआ तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे स्प्रिंग है, देखो स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया पांच न्यूटन का, तो इसके बैलेंस करने पे पांच न्यूटन हो गया, रीडिंग क्या रहेगी इसकी पांच न्यूटन, बड़ा अच्छी पॉइंट लगा जिसका। स्प्रिंग में जब भी इस प्रकार के दो फोर्स लगे होते हैं अक्सर पब्लिक जीरो कर देती है, वो जीरो नहीं होता, जीरो तो कब होता है किसी बॉडी पे लगे हुए हो, कब है जब किसी बॉडी पे लगे तो जीरो होते हैं, स्प्रिंग में स्प्रिंग अपने आप एक अपोज करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा। और ये अच्छा लॉजिक है, ये लॉजिक भी आपको कुछ दोस्तों अपने क्रिएट करने होंगे। ओके डियर क्वेश्चन 13 पे आ जाओ, 13 तो क्या कहता है, एक व्यक्ति स्प्रिंग से प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, स्प्रिंग का पाटा 60 केजी बाहर है ना, यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म के बाहर क्यों कूदता है, देखो एक मिनट ध्यान सुनो, अब थोड़ा मेरे को देखना, मैं खड़ा हूं एक मशीन पे, अब यदि मैं खड़ा हूं तो बैलेंस है, मैं 60 पता है 60 क्या है, 60 मास है, इसको जी से गुणा 600 हो जाएगा भार, तो ये दोस्तों मैं जैसे कूदूंगा तो देखो मेरे ऐसे पांव ऊपर होंगे, तो मैं उस मशीन पे फोर्स लगाऊंगा तो मेरा भार एक बार बढ़ा हुआ होगा, और जैसे वो कूद के मशीन से अलग हो गया तो मशीन का भार वापस कम हो गया, तो पहले बढ़ेगा और फिर शून्य हो जाएगा, शून्य मतलब मैं तो मशीन से अलग हो गया ना। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, किशोर मुझे आज भी याद है दोस्तों, एक मशीन है ऊपर कोई एक बंधा हुआ है, मालूम पोल बंधा हुआ है, मैं ऐसे पोल को पकड़ता हूं और दोस्तों पोल को पकड़ के मैं ऊपर की ओर खींचता हूं ना, तो पहले मैं इस मशीन को दबाऊंगा तो पहले भार बढ़ेगा, लेकिन जैसे मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं मशीन से अलग हो गया, मेरा भार क्या हो जाएगा शून्य। तो ये सेम क्वेश्चन है आपको इस तरह के, ओके डियर आगे चलो, क्वेश्चन 14 में आ जाओ। एक वस्तु का संवेग नियत है लड़के पी इक्वल टू एम वी, वस्तु का एम तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता तू जानता है, और एम हमेशा क्या होता है नियत होता है, वी नियत है तो पी नियत है, पी नियत है तो दोस्तों dp इक्वल टू क्या है जीरो, dp जीरो है तो तू जानता है f इक्वल टू क्या है जीरो। तो आजा भैया अगला कहता है कि वस्तु का संवेग मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगा कांस्टेंट, अब तू जानता फोर्स कांस्टेंट है तो f इक्वल टू क्या है ma, एक क्वेश्चन में कभी m नहीं चेंज होता तो f कांस्टेंट तब होगा तो a कांस्टेंट है तो त्वरण कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या डियर आप कह रहे हो कि P क्या है कांस्टेंट है तो M भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट, बोलो है ना, ओके डियर नेक्स्ट पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर संवेग का सबसे निकट आवेग, अरे हेडिंग क्या होता है, आवेग संवेग प्रमेय इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सबसे प्यारा होता है, फिर सुन ले ए लड़के, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी पी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी टी। देखो पी को तो मोमेंटम कहते हैं बट डी पी को क्या बोलते हैं, आवेग। संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं या संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं, और एफ मल्टीप्लाई डी टी को डी पी कहते हैं, और डी पी को इंपल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। ओके थैंक यू, आगे चलो। ये बड़ा मस्त, ये किसी वेक्टर का है, देखा जाता है वेक्टर माना चाहिए था, यहां आ गया। वो कहता दो फोर्स है जिनका परिणामी एक बल परिमाण से दूसरे में दुगना है, अल्प परिणाम वाले के लंबवत। देखो सुनो, एक फोर्स एफ है, देखो सुनो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड ए, ये आपका मान लो कि इससे डबल है, दिस इज टू एफ, और ये रिजल्टेंट जो है ये दोस्तों इसके लंबवत है। साफ कहता देखो अल्प वाले के लंबवत है तो ये एफ इसके लंबवत है, ये दोस्तों आपका कितना हो गया 90। तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या है, बस सीधी सीधी सी बात है भैया। अब आप प्रश्न को एक बार ढंग से देखो दोस्तों, एक फोर्स क्या है एफ, दूसरा साफ कहता क्या है 2F, और अंडरस्टूड किया है कि रिजल्टेंट है वो एक से 90 पे है, तो 2F इधर ही आएगा क्योंकि रिजल्टेंट हमें दो के बीच से, नोट बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं भाई, बीच का मतलब है बिटवीन है, उनके बीच कहीं होगा, बस डियर। तो अब ये कहता दोनों बलों के बीच का परिमाण निकालो, तो परिमाण निकालो तो चलो भाई परिमाण कैसे निकालेंगे इसे भैया, फिर अपन कैसे करेंगे रोज करना एक मिनट क्वेश्चन को। अब इसमें एक पीछे प्रश्न आया था कि वाई घटक परिणामी बल वाई की तरफ हो, हाँ इसका मतलब एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है वही बात है। अब नेट फोर्स अपने ऊपर चाहिए, ठीक है इसका मतलब ये वाला घटक आपका जीरो होना चाहिए, तो इसको अपन थीटा मान ले, ठीक है थीटा मानते हैं 2F अपन घटक करते हैं 2F cos और 2F sin, ठीक है अब ये 2F sin इसके इक्वल होगा तो sin, तो ये क्या बना आपका 2F sin थीटा, ये क्या है F, तो डियर सिंपल सी कहानी है 2F sin थीटा इक्वल टू क्या है F। ओके डियर F से कैंसिल आउट कर दो, दिस इज sin थीटा इक्वल टू 1/2 कितना हुआ 30, तो ये 30 तो दोस्तों ये कितना हो गया 120, आंसर क्या हो गया 120। बात को समझ ध्यान से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एक फोर्स मैं अब इसको मिटा के आपके लिए दोबारा से कर देता हूं। आप फिर देखें, एक फोर्स कोई F है, दूसरा इसका डबल है वो 2F है, और अगला साफ कहता है भैया इसका रिजल्टेंट जो है F डैश वो इस छोटे वाले के साथ 90 डिग्री पर है, और रिजल्टेंट साफ कहता है अल्प परिणाम वाले के लंबवत है, यहां दोस्तों रिजल्टेंट है, तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या, इसके रिजल्टेंट का मतलब है कि इस लाइन पे कोई फोर्स नहीं है, तो इस एंगल को थीटा कहें, तो दोस्तों ये क्या बना साइन, ये क्या बना कोस, से समझाया गया, तो ये एक ट्रिक है करने की। ओके डियर थैंक यू, आ जाओ भैया, कितना सिंपल, देखो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया, मुझे इतना ही पता है इसका जो वेक्टर है ना उसका समय जीरो है, V वेग से गतिमान कण पे तीन बल एक साथ लग रहे हैं, अरे सुन यार तीन बल लगे बट तीनों का टोटल क्या है जीरो, फोर्स जीरो, तो ए जीरो, ए जीरो, इसका मतलब V कांस्टेंट है, दोस्तों V अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल सही बात है, V से कम ना, V से अधिक ना, आंसर अपना भी क्या हो गया भैया फर्स्ट। लेकिन मुद्दे की बात यह है डियर, मुद्दे की बात यह है कि तीन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि एक त्रिभुज में ऐसे घूम जाए, ट्रायंगल में घूम जाए, तो रिजल्ट क्या होगा जीरो। आगे चलो 18 में आ जाओ, ये मेरा प्रिय प्रश्न है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर वेक्टर क्वेश्चन है, 5 न्यूटन के दो बल क्रम से एक्स और वाई के अक्ष अकॉर्डिंग लग रहे हैं, देख ध्यान देख बच्चे, यहां भी क्या है 5N और यहां भी क्या है 5N, तो भैया सीधी सी बात है इसका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच होना है, जिसकी वैल्यू क्या होनी है 5√2, और एंगल कितना होता है भाई 45 डिग्री, सीधी सी बात है 5√2 और 45, सिंपल बात है, एक सदिश R1 एक सदिश R2, ये भी R ये भी R, तो याद करो दोस्तों रिजल्टेंट R जो होता है, ये काम करते हैं यार 5 मिनट लगे इसको पढ़ाई लेते हैं पूरा, आ जा भैया पेज खाली कर, देखो डियर ध्यान सुनो आर्स क्या करना, जब बच्चों मैं आपके लिए कर ही रहे हैं, तो फिर एक वेक्टर R1 एक वेक्टर R2 इनके बीच एंगल माना कि कोण थीटा है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इनके बिटवीन दोस्तों यहां कहीं ऐसे होता है, ये एंगल उसका हो जाएगा अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर, फिर दोस्तों इसको ऐसे यहां से जोड़ देते हैं,
इसको यहां से ऐसे जोड़ देते हैं और इस डैश डैश लाइन को आगे करते हैं, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो दोस्तों आप देखो ये कोण आर टू थीटा है, ये कोण भी आपका क्या होगा भैया, थीटा होगा। ये ध्यान देना, ये आर टू है तो ये भी आर टू होगा, तो ये यहां से यहां तक की लाइन है, ये तेरी क्या बन जाएगी, आर टू कोस थीटा। बोल बोल किशोर भाई, ये टू क्या बन जाएगा, आर टू साइन थीटा। ये तेरा दोस्त एक सारी कहानी हो गई। अब तो इसके कलर को चेंज करके तेरे लिए मैं कर दूं तो डीए देखिए ऐसे हो गया, देखा जाए तो ये एक ऐसे पूरी कहानी हो गई, हो गई ना पूरी कहानी, जिसका एंगल क्या है, टेन अल्फा। तो डीएर टेन अल्फा इक्वल टू क्या है, आर टू साइन थीटा अपॉन आर वन प्लस आर टू, ध्यान दे क्लास, आर वन प्लस आर टू कोस थीटा। और दूसरा ये इसका क्या है, बेस, ये इसकी क्या है, हाइट, ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस। तो आप जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर करंट का स्क्वायर, कलर चेंज के लिए बोर्ड के साथ दिखता है दोस्तों। आर इक्वल टू क्या होगा, मेरे सामने सामने है, दिस इज आर टू साइन थीटा का होल स्क्वायर और दिस इज आर वन प्लस आर टू कोस थीटा, दिस इज आर वन प्लस आर टू कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्ड करके सीधा कर दूंगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दिस इज आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू कोस थीटा, एक सदिश आर वन एक सदिश आर टू, यदि उनके बीच का कोण थीटा है तो रिजल्टेंट आर होगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू कोस थीटा का रूट, और उसकी डायरेक्शन जो है वो होती है आर टू साइन थीटा अपॉन आर वन प्लस आर टू कोस थीटा। ओके डियर, अब इसको मिटाता हूं मैं, और अब यहां पर कुछ केस बनते हैं। ये देख, सबसे पहले माना कि नोट भाई थीटा इक्वल टू जीरो, एक सदिश आर वन है एक सदिश आर टू है, माना आर वन भी आर है आर टू भी आर है, तो दोस्तों इसका रिजल्टेंट बनेगा आर डैश बराबर आर वन प्लस आर टू, ये बन जाएगा टू आर। यदि दोस्तों थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आर वन भी आर है आर टू भी आर है, तो आर डैश की वैल्यू दोस्तों आएगी रूट टू आर, रूट टू आर। और क्लास की बड़ी प्यारी चीज, थीटा 120 डिग्री पे है, ये भी आर है ये भी आर है, तो मेरे यारों आर डैश का मान भी क्या आएगा, आर। और एक और सुंदर, थीटा का मान 180 डिग्री है, ये भी आर है ये भी आर है, तो आर डैश का मान आएगा, याद कर ले रहे, आर आर जीरो इक्वल टू टू आर, आर आर नब्बे इक्वल टू रूट टू आर, आर आर 120 इक्वल टू आर, आर आर 180 इक्वल टू जीरो, सल्टाने वाले को ये आपके सामने व्यवस्था होगी। ओके डियर, आ जा क्वेश्चन, आ जा भैया, तो ओके आगे चले। ये दोस्तों एल लंबाई की एक रस्सी को नियत बल एफ द्वारा खींचा जाता है, बल लगाने वाले बिंदु से अक्ष दूरी पे रस्सी के तनाव का मान क्या है। ये नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भैया, ये क्वेश्चन फिर से आपके एफबीडी पे आ गए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं यहां आपका साथ ढंग से चाहूंगा भाई, आ जाओ किशोर भाई। यस, ये सपोज करो कि एक एल लंबाई की रस्सी है जिसका मास माना कि m है, तो एक स्मॉल m सब कह दूं मैं, l लंबाई का मास कैपिटल m है, तो एकांक लंबाई का मास m बाई l हो गया, तो स्मॉल m एक शब्द काम आएगा यहां, कैपिटल m बाई l। सुन लो पूरी कहानी है, यानी इस रस्सी की यूनिट लेंथ का मास क्या हो गया, स्मॉल m, वो क्या हो गया सर्वेश्वर, कैपिटल m बाई l, l हो गया। अब देख इस पे मैं एक फोर्स लगाऊं f, ठीक है, एल लंबाई की रस्सी को नियत बल एफ से खींचा, तो बल लगाने वाले बिंदु से, कलर चेंज करो तेरे लिए, बल लगाने वाले बिंदु से इस अक्ष दूरी पर, अक्ष दूरी पर अब जो पीछे रस्सी बच गई इसमें तनाव क्या है, बोर्ड खाली कर दिया दोस्तों। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक रस्सी ये हो गई और एक रस्सी ये हो गई, और ये एफ एक फोर्स हो गया, ये अक्ष लंबाई है रस्सी की और ये एल माइनस अक्ष है, इसके मास को आप एम टू कह दो, इसके मास को आप एम वन कह दो, ध्यान जाओ क्लास का मैं, एम वन की लंबाई कितनी है एक्स, एकांक मास का मास क्या है एम बाई एल, तो एम वन तो है एक्स गुणा कैपिटल एम बाई एल, और दोस्तों एक्स टू का मान है एल माइनस एक्स कैपिटल एम बाई एल। दोस्तों हकीकत देखा जाए एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, अगला कहता एक्स दूरी पर यहां पे कितना फोर्स है, यहां पे कितना फोर्स है, हमें इसकी बात नहीं करनी है, सीधी सी बात है, इस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे फोर्स निकालने का इसको आप एफ डैश कह दो, ये एफ डैश कह दो, व्हाट इज एफ डैश, एफ डैश इक्वल टू एम टू मल्टीप्लाई ए, बोलो बोलो किशोर सर, एम टू मल्टीप्लाई ए, और दोस्तों व्हाट इज एम टू, एम टू तेरे सामने है एल
माइनस अक्स कैपिटल एम बाई एल, ए क्या होता है, ए तू जानता एम ए, इस एक सुंदरता है, एक प्रश्न में कभी दो तोरण नहीं होते, एक क्वेश्चन में कभी दो एक्सीलरेशन नहीं होंगे। तो दोस्तों ए रिप्लेस बाई एफ बाई कैपिटल एम, मेरी क्लास का श्रेष्ठतम करने जा रहा हूं मैं, एफ डैश इक्वल टू एल माइनस अक्ष, ये तेरा कैपिटल एल एम और यहां तेरा ए था, इसका मान क्या है एफ बाई एम, एम से एम कैंसिल आउट, तो एफ डैश इक्वल टू लड़के एफ डैश इक्वल टू एफ एल माइनस अक्ष अपॉन एल, आंसर निकालना भैया तेरे सामने सामने आ गया एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल। दोस्तों ये आपका इसका सेकंड आंसर हो गया, ये इस क्लास का एक श्रेष्ठतम क्वेश्चन कह सकता हूं, एक सुंदरतम दोस्तों क्वेश्चन कह सकता हूं, और मेरे हिसाब से इसमें कोई नया काम नहीं किया मैंने, रिजल्ट से संतुष्ट आप, थैंक यू। ओके 20 नंबर क्वेश्चन, दिखते क्या हो गया लंबित वर्ग, तो साफ कहता भाई चित्र में प्रदर्शित रस्सी में तनाव 30 न्यूटन है, बाहर W और रस्सी OA में तनाव क्या है, तो दोस्तों इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, इसका डायग्राम जो कैसे बनेगा, ये W आपका नीचे की ओर है, ये बिंदु आपका O है, इधर क्या लग रहा है आपका 30 न्यूटन लग रहा है, और ये एंगल आपके सामने 30 है, ये कुल क्या हो गया 120, ये एंगल आपका 120 हो गया, इसको आप ये बिंदु आपका A है, ये कोण डीर अपना भी क्या बच गया पीछे 150 बच गया, हो गया ना, ये 120 ये 90 150, आजा खाली कर ले भैया, अब लामी थ्योरम पे आजा भैया, सीधी सीधे फंडा है, देख डियर 30 अपॉन क्या होगा साइन 150, बोल हाँ या ना, तो भूल गया क्या, 30 के सामने कौन है 150, ओके W कौन है इसके इक्वल टू कौन है साइन 120, W साइन 120, और ये मुझे नहीं पता क्या है, इसको OA लिख ले, दिस इज OA साइन 90, OA के सामने कौन है साइन 90, W कौन है 120, 30 पे कौन है 150, ये वैल्यू आ गई, अब देख लड़के 30 साइन 150 कितना होता भैया 1/2 का मतलब 2 ऊपर चला गया, ये तेरा साइन 120 क्या होता भैया √3/2, ये आपका 2 ऊपर चला गया, ये तेरा OA साइन 90 क्या होता भैया 1 बस, अब सोल्व कर ले, ये OA इक्वल टू क्या आ गया 60 आ गया, ये ले OA 60 आ गया ना, यस OA 60 आ गया, और W की बात करें तो W ले ले, ये W है, ये तेरा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे, ये क्या आ गया तेरा √3 निकाल भैया, तो अगला साफ कहता OA अंतराव कितना है, एक तो W पर W कितना है 30√3 और 60, 30√3 और 60, ये आंसर आ गया भैया, सेकंड आंसर आ गया। ओके पेज खाली करता हूं, पेज खाली कर, मैं साइन 120 और साइन 150 की वैल्यू है ना, इसका एक तरीका बताता हूं, मेडिकल का ध्यान सुनना बच्चों, देखो सुनो ध्यान से, ढंग से देखो, ये आपका साइन है ना, तुम सब जानते हो दोस्तों, यहां से मान लो कि एंगल है 30 डिग्री, यहां से मान लो कि एंगल है 60 डिग्री, यहां से एंगल है 90 डिग्री, वापस घुमाओ, ये 90 में 30 जोड़ दो कितना आया 120, 60 जोड़ दो कितना आया 150, ये कितना हो गया 180, अब देख 30 और 150 बराबर है, 60 और 120 बराबर है मेरा, तो जो वैल्यू थे साइन 30 की है वो साइन 150 की है, जो साइन 60 की है वो साइन 120 की है, समझ रही है, अब इधर ले तो 180 के बाद किस में आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे, नेगेटिव, ये सर क्या है प्लस में है, चल दूसरा देख ले, कोस की बात करें तो कोस में आ जा, कोस ऐसे चलता है तो खुद देख ये किस पे है 0 पे, ये किस पे है 90 पे है, अब तू खुद देख 30 का तेरे को ये यहां चल, ये कितना है 30, ये कितना है 60, अब ये तेरा 60 है, ये तेरा कितना है 30, तो यहां एक लाइन खींच, ये 30 ये 60, तो जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू इसकी है, जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू इसकी है, और वो इसकी उल्टी, जैसे एग्जांपल देख ये कितना जोड़ा तूने 60 डाल ना, ये किसकी बराबर है, ये डिस्टेंस किस में है 30 में है, तो कितना है 120, तो वैल्यू निकाल दो, तो कहने का मतलब है कि आप इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो, प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे तो आपको याद होती है दोस्तों, फिर भी ये कुछ वैल्यू आपको याद करनी होगी। ओके डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो किशोर अब अपन FBD पे आते हैं, एक शब्द आएगा दोस्तों FBD फ्री बॉडी डायग्राम, जहां शूडो फोर्स का सबसे ज्यादा रोल है, तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ूं, उसके पहले मैं क्वेश्चन कर देता हूं आपको, आ जाए पेज खाली कर, ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों, ये पुली है, इस पे एक मास M1 इधर लटका हुआ है, एक ये मास M2 यहां लटका हुआ है, और अगला खुद कह रहा है
एम टू ग्रेटर देन एम वन, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जब एम टू बड़ा है तो और राक्षस इधर मूव करेगा, ऊपर इसको ऐसे खुली को बांध दो ऐसे, है ना। Yes. अब तू जानता है कि टेंशन हमेशा किधर होती है, पुली की ओर होती है। एक बात गांठ मान लो, जब तक मास नहीं आएगा तब तक रस्सी की टेंशन चेंज नहीं नहीं होती है। अब अपन जानते हैं ये यूनिवर्सल चीज होती है, एम1 जी हमेशा किधर है, नीचे की ओर, एम जी किधर रहता है, नीचे की ओर। अब दोस्तों आप इसका बनाओ एफपीडी, इसका एम1 का। अब यहां देख ये एफपीडी है इसकी, एम1 जी, टी किधर है, ऊपर की ओर, सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, सुडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर, एम1 ए। तो आप कह सकते हो दोस्तों टी इक्वल टू एम1 ए प्लस एम1 जी। इधर आ जाओ, ये आपके सामने एम2 है, तेरे सामने टी2 किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, सिस्टम किधर आ रहा है, नीचे की ओर, एम2 जी किधर है, नीचे की ओर, सिस्टम नीचे की ओर आ रहा है, तो सुडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, एम2 ए। तो ये क्या हो गया, टी प्लस एम2 ए इक्वल टू एम2 जी, दिस इज एफपीडी। ये इसका एफपीडी है, वो उसका एफपीडी, एफपीडी मतलब एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल करूं तो एक बार मैं ऐसा करता हूं, आपके समझ आ गया ना, तो मैं कलर चेंज कर लू थोड़ा सा, रेड कलर में ले लो इसको मैं, या इस कलर ले लो, समझ थोड़ी दिक्कत नहीं आपको। देखो डियर, ये इक्वेशन है टी इक्वल टू एम वन ए प्लस एम वन जी, इसको मैं सीधा कर लू टी इक्वल टू एम टू जी माइनस एम टू ए, टी इक्वल टू एम टू जी माइनस एम टू ए, एम टू ए। अब अपन इसको मिटा देते हैं, समझ आप समझ रहे आप, इसको मैं मिटा देता हूं, अब मैं कलर भी चेंज करूंगा, पेन तो ठीक तरह बोर्ड के ऊपर। अब आप देखो लेफ्ट पार्ट इक्वल टू राइट पार्ट इक्वल, तो एम वन ए प्लस एम वन जी इक्वल टू एम टू जी माइनस एम टू ए। अब ए को एक तरफ ला, तो ये एम वन ए इधर है, वो एम टू ए इधर है, तो पूरी बात करूं बच्चा तेरे लिए, एम वन ए प्लस एम टू ए इक्वल टू एम टू जी माइनस एम वन जी। अब मैं सीधा होस्ट ए को कॉमन ले लेता हूं, और फॉर्मूला बन गया एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी। दोस्त ये एक फॉर्मूला बन गया जो तेरे को याद रखना है। अब सुन ले क्या है, ये वेट ज्यादा है, ये वेट कम है, और इधर आएगा तो मैं इस सारे ताम झाम को मिटा देता हूं, और इसका जो ए का फॉर्मूला बनता है वो बड़ा माइनस छोटा अपॉन दोनों का जोड़ मल्टीप्लाई जी। ये मैंने आपको एफबीडी भी समझा दिया, और लास्ट में आपको इस फॉर्मूले को हमने याद कर दिया। क्लियर होगी बात। इसी प्रश्न में फिर आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि पुली पे तनाव कितना है, तो टी तनाव तो ये है और टी तनाव ये है, तो पुली पे दोस्तों कुल तनाव हो जाएगा आपका रूट डी। ये धारण चीज का ये आपके सामने आ गया, एफपीडी क्या होगा टू टी, तो आप इसको टू टी कर दें दोस्तों। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूले इसके शॉर्ट स्वीट में बन जाते हैं। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन खोलो भगवान बेटा, 3 kg में 4 kg के दो पिंड हैं, तो मैं बिना दे कुछ किए सीधा करूं 4 - 3 + 4 + 3 मल्टीप्लाई जी ए इक्वल टू जी बाई सेवन। जी बाई सेवन का मतलब 9.8/7 भाग, एक बार गया दो बच्चे 8 × 7 = 28 1.4 m/s². ये दोस्तों मेरी निगाहों में इसका सबसे पहला क्वेश्चन बन गया। ओके थैंक यू। हाँ तो किशोर सर 22 नंबर में फिर ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन आ गया, और इसका तो एफबीडी बहुत शानदार है। सुनो भाई, यहाँ एम वन एम टू एम थ्री तीन मास है, इसको आप किसी टी थ्री से एफ से खींच रहे हैं, और मैं ऐसा करता हूं जी, आप पेड़ी करो, मैं इसका एक आपको सेपरेट एफबीडी बना देता हूं, एक बॉडी दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी एम वन एम टू एम टू एम थ्री, टोटल फोर्स इस पर लग रहा है एफ। पहला पॉइंट तो ये है, ये मान के चलो ट्रेन का इंजन है, और वो ट्रेन इन तीन डब्बों को खींच रहा है इंजन, तो आप जानते हो एक सिस्टम में कभी दो एक्सीलरेशन नहीं हो सकते, ध्यान से इस बात को, इन प्रश्नों में कभी दो त्वरण नहीं आएंगे। तो इसका टोटल त्वरण दोस्तों आपके सामने क्या आ गया, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मल्टीप्लाई ए। आगे चलने से पहले ए की वैल्यू निकाल लो, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, यानी इस न्यूमेरिकल में ए का मान क्या आ गया, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, बोलो हाँ या ना। Yes. अब इसको मैं मिटा दूं स्पेस के लिए, ये मैंने आपका काम कर दिया। अब दोस्तों हम इसका एफबीडी बनाएंगे, तो ये इसको इधर खींचेगा। Yes. ये इसको इधर खींचेगा,
ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, इसको आप समोल एफ वन कह दो, इसको आप समोल एफ एम कह दो। अब हम बनाएंगे एफ बी डी। तो सबसे पहले किशोर सर हम एफ बी डी बनाते हैं स्मॉल एम वन की। तो इस पे एक एफ इधर लग रहा है और स्मॉल एफ वन इधर लग रहा है और आल ये इधर जा रही है ए त्वरण से। अब कॉमन सेंस की बात, बड़ा कौन हो गया, ये एफ हो गया ना, तो एफ माइनस एफ वन इक्वल टू एम वन ए, बोलो हाँ या ना। यस, ये एक एफ बी डी बन गई। अब आप दूसरे की एफ बी डी बनाओ, ये तेरा कौन है एम टू, तो एम टू पे इधर कौन लग रहा है एफ वन, इधर कौन लग रहा है एफ टू, और आल बॉडी किधर जा रही है ए से, क्योंकि एक बॉडी में दो, ठीक है डियर। तो तेरे सामने सामने एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू क्या होगा एम टू ए। आगे चल तीसरी बॉडी पे आ जा, ये तेरी तीसरी बॉडी कौन है एम थ्री, जिसपे केवल क्या लग रहा है एफ टू, फोर्स त्वरण क्या है ए, तो तेरे सामने सामने एफ टू क्या है एम थ्री ए, एम थ्री ए। अब मैं कलर चेंज करता हूं इसका, भाई ध्यान दे क्लास, एम वन की एफबीडी बनाई, एम टू की बनाई, एफ थ्री की, अब तेरे सामने एफ टू क्या है एम थ्री ए, तो जहां एफ टू लिखा हुआ है वहां क्या लिखे भैया एम थ्री ए एम टू ए। तो एफ वन क्या बन गया बच्चे, एफ वन बन गया एम टू ए प्लस एम थ्री ए। अब यहां एफ वन रख, तो एफ वन रख, तो एफ वन इधर ले, चले इधर मत ले, ऐसे कर ले, इधर एफ माइनस क्या रहे एम टू ए प्लस माइन माइनस एम थ्री ए इक्वल टू एम वन ए, तो तेरे सामने सामने एफ क्या आ गया एम वन ए प्लस एम टू ए प्लस एम थ्री ए। ले भाई ये सारे फॉर्मूले आ गए, तो तेरे पास एफ वन आ गया, तेरे पास एफ टू आ गया, तेरे पास एफ आ गया, तो ये आपकी व्यवस्था होगी। तो जैसे अगला कहता है वैसे करते जाओ। अब अपन कॉमन बात करें किशोर सर, तो ए तो अपन अलग निकालेंगे, आपको यदि एफ वन निकालना है, मैं थोड़ा वापस कलर चेंज कर लूं, यदि मुझे एफ वन निकालना है तो एफ वन में क्या करूंगा एम टू प्लस एम थ्री को ए से गुणा कर दूंगा, एम टू प्लस एम थ्री को मैं ए से गुणा कर दूंगा। यदि मुझे एफ टू चाहिए, मुझे एफ टू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एम थ्री को ए से गुणा कर दूंगा। अब फिजिक्स भूल जा, कॉमन सेंस की बात किया, देख इधर ले, ये इंजन है, ये इंजन इस एफ को खींच रहा है, इसको एम वन भी खींचना पड़ रहा है, एम टू भी खींचना पड़ रहा है और एम थ्री, ये जो है ना इसको केवल एम टू और एम थ्री खींचने हैं, तो एफ वन जो है वो एम टू और एम थ्री को ए से गुणा कर दो, ये जो रस्सी है उसको केवल किसको खींचना पड़ रहा है एम थ्री को, इसके दोस्तों एम थ्री से गुणा कर दो, ये जो फोर्स है ये एम वन भी खींच रहा है, ये एम टू भी खींच रहा है, ये एम थ्री भी खींच रहा है, एफ का मान क्या आ गया एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मल्टीप्लाई ए। दिस इज बेस्ट ऑफ दिस क्लास दोस्तों, अब सुनना, और ये बॉडी पास पास टच हो तो भी दोस्तों आंसर, पर उसके बाद पुश करना होता है, बॉडी पास पास है तो पुश करते हैं, इसको ऊपर खींचते हैं, एफबीडी पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरी क्लास की एक अच्छी सी प्रॉब्लम थी, अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूं। आजा भैया, भगवान बेटा क्वेश्चन निकाल, देखो क्या कहता है, 2 किलो 3 किलो 5 किलो के 3 गुटकों को भारहीन फ्रस पर जोड़ दिया, निकाय पे 10 न्यूटन का फोर्स है, यहां पर क्या है 10 न्यूटन का फोर्स है, तो तनाव T1 निकालना है दोस्तों, ये वाला निकालना है। तो अब मन पूरा पढ़ा दिया ना, तो सबसे पहले एक काम कर, इसका F बराबर MA निकाल, तो तेरे सामने M क्या होगा 2 3 5 5 5 10, F कितना है 10, तो A की वैल्यू क्या आ गई भैया 1। अब यार सुन, इसका चाहिए ना, तो इसको केवल M1 को खींचना है, M1 कितना है 2, तो 2 को खींचना है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे 1 से, आंसर क्या आ गया 2 न्यूटन। यदि इससे पूछता इसको खींच रहा है M1 और M2 को 5 5, आंसर आ जाएगा, ये किसको खींच रहा है 10 को, 10 बोलो। इसलिए पहले थ्योरी पढ़े, थ्योरी पढ़ के आप अटैक करो, लेकिन थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता, और न्यूमेरिकल कर लोगे थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आई नहीं लगेगी सीधी सी बात न्यूमेरिकल की, इसलिए पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, इस तरह बात होती है। ओके नहीं, आगे चले आ जाओ किशोर सर, ये नेट की प्रॉब्लम है, ये बहुत क्वेश्चन है, वो तीन बड़ा गुंदा क्वेश्चन है, वो कहता है एम टू एम थ्री एम है, डोरिस जुड़े हुए हैं, एम ब्लॉक ऊपर की ओर एफ पर लगाने पे सभी गुट के स्त्री वेग से, अरे स्त्री वेग का मतलब त्वरण जीरो, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल, पढ़ लो दो, पढ़ लो दो,
जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुरंत जीरो, तुरंत जीरो होते खेल खत्म, लाजो मोशन खत्म, क्यों लाजो मोशन में फोर्स चाहिए, फोर्स ही नहीं है। आगे चलो भैया, अब देखो यहां इसको करो तो एक काम करें, इसको अपन यहां समझाते हैं थोड़ा सा बच्चों को। आप देखो बच्चों, ये आपका 7 kg की एक बॉडी है और इसको अपन थोड़ा ऐसे ऐसे मान लो, एक लाइन बना दो, ठीक है, जो इसको इधर, ये कितना है 5 kg है और ये आपका दोस्तों 6 N का फोर्स है, ठीक है। अब ऐसा करें, अपन इस बात को थोड़ा मॉडिफाई करें, इस फोर्स को आप ऐसा करो, कलर चेंज करके किशोर से बच्चों के लिए एफ कह दो और इस फोर्स को आप F1 कह दो, इसको आप एक बार M1 कह दो, इसको आप M2 कह दो। तो आजा भैया, M1 का FBD बनाया तो तेरे सामने ये फोर्स कितना है F और ये तेरा फोर्स कितना है, ध्यान दे, उल्टा सामने से विरोध करेगा ना, तो सामने फोर्स कितना तेरा F1। बॉडी ओवरऑल किधर जा रही है, इस तरफ, तो बड़ा कौन हुआ भैया, कैपिटल F। तो कैपिटल F क्या है, कैपिटल F माइनस F1 M1 एक धारण तो हो सकती, वो बात आ गया ना भैया, एक अभी दो नहीं हो सकते। अब अगले पे आ जा, तेरी ये अगली बॉडी है, ठीक है डियर, इस पे फोर्स लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना, कितना फोर्स है तेरा, ये F1। ये इसको किसका आ रहा है, इसका मास क्या है M2, तो F1 का मान क्या आ गया, बोल बोल किशोर भैया, M2A। बस अब तेरे सामने F माइनस F1 क्या है, M2A इक्वल टू M1A, तो वही बात आ गई ना, F बराबर क्या है M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई A। तो बात को तो कान कैसे पकड़ लेती है, बात वही आनी है, अब तेरे सामने सामने है। अगला साफ कहता है कि कम भार के गुट के बल कितना है, ये रहा कम भार का गुट का, इस पे F1 बल लग रहा है, ठीक है डियर, तो F1 का मान क्या है, M2A है, आ जा डियर, M2A है, M2 कितना है 5 और A कितना है 7 × 5 = 12 kg वजन है, 6 kg का फोर्स है, जो साइड में कर दूं तेरे लिए मैं, F बराबर MA, तो A बराबर F अपॉन M, F का मतलब 6/12, 1/2, ये भाई इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये तेरा आंसर क्या आ गया, 2.5 N, आंसर क्या आ गया 2.5 N। बोलोगे सर, बिल्कुल, ये है, ढंग से ईमानदारी से चीज को किया जाए तो, पर फ्रेश मूड से एक बार सुनो ना बेटा, हम भी टीचर हैं, कई बार हमारा मूड अच्छा होता है तो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, मूड नहीं होता है तो 2 में 2 से डिवाइड कर 2 आ जाता है। जिस दिन मूड नहीं हो, फ्रेश हो, चाय पानी पिए, सोए, वापस अटैक करें, किताब को आधे घंटे छोड़ सकते हो, हार के क्वेश्चन छोड़ दिया तो डर बैठ जाए, कभी नहीं पढ़ पाओगे। जैसा बार बार कह रहा हूं मैं, ये गुरुनीति नाम के वीडियो जो हैं, ये 180 वीडियो आएंगे, आज फिजिक्स का आपको 5 वीडियो दे रहे हैं हम लोग, ऐसे ही 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायोलॉजी और पूरे मेरे साथ ही इसी तरह पूरी थ्योरी को लपेटते हुए आपको टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। ओके, आगे चलो, चलो भैया आगे चल, फिर ये, फिर एबीडी, शानदार एबीडी भाई साहब, ये ढंग से करेंगे यार। ये कहता 2 गुटके ए और बी है जिनके मास 2m और m है, एक वेट, ध्यान देना यहाँ रस्सी का मास काउंट नहीं होता, रस्सी का मास काउंट होते आईटी बन जाती है, आईटी नहीं बढ़ा रहे अपन भैया, रस्सी वस्सी, रस्सी का स्प्रिंग का मास हमारे वेट काउंट कहीं नहीं होता है। अब दोस्तों कहता है भार स्प्रिंग लटकी हुई है, देखो स्प्रिंग क्या है, भारी, ये भी सब क्या है, ये होता है, ये फिक्स है भैया। अब वो दोस्तों कहता है अचानक इस रस्सी को काट दिया जाए, डोरी को अचानक काट दिया जाए, कहां से, यहां से, यहां से अचानक काट दिया जाए, तो ए व बी के त्वरण क्या होंगे, देख भाई ध्यान सुन ले, जैसे रस्सी काटेगा ना तो बी तो एक स्वतंत्र बॉडी की तरह गिरना शुरू हो जाएगा, तो उसका आंसर तो क्या आ गया भैया, जी हाँ जी, दिमाग की जरूरत नहीं है, जैसे काटेगा, अरे तेरे हाथ में कोई वस्तु है, छोड़ दी, किस में गिरेगी, जी में गिरेगी ना, वो समाचार तो समाप्त हो गए। अब जरा पेज खाली कर भैया, पेज खाली कर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपकी स्प्रिंग है, ये मास आपका 2m है, ये मास आपका m है, दिखा किशोर वापस एक बार, ये देख, ये मास 2m है, ये मास m है, ओके, फिर खाली कर भैया, ये आपका a है, ये आपका b है। अब एक बार ध्यान सुनना दोस्तों, यहां ये स्प्रिंग साम्य अवस्था में है तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 3m जी, ये कितना है 3mg, तो हकीकत देखा जाए तो यहां ऊपर की ओर फोर्स क्या है 3mg, नीचे की ओर फोर्स क्या है 3mg, जैसे ही आप इसको काट दोगे तनाव बल, तो 3mg किधर खींचेगा,
ऊपर की ओर, ये तो कट गया, 2mg किधर खींचेगा नीचे की ओर, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा, 3mg माइनस 2mg बराबर ma बराबर 2ma यस डियर, ये तेरे सामने mg इक्वल टू 2ma, m से m काट दे, मेरी क्लास की सबसे सुंदर प्रॉब्लम है, a इक्वल टू g बाई टू, क्वेश्चन माना भाई, तो इसका आंसर हो गया g बाई टू और g, वापस सॉल्यूशन में आ जा, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, देखो दोस्तों ये स्प्रिंग बैलेंस थी तो यहां स्प्रिंग कितना खेच रहा था 3g, ऊपर 3g, जैसे काटूंगा तो ऊपर कौन खेच रहा था 3mg, नीचे कितना बचा 2mg, कुल कितना बचा रसी पे mg, बस ये खास बात है इसमें, लड़का सोचता यार mg काटने mg कैसे बच गया, बस यहां गलती होती है, mg बच गया, mg इक्वल टू 2ma, क्योंकि ओवरऑल मोमेंट किसको कराना है इसको, यस तो 2ma, तो mm कैंसिल आउट, a इक्वल टू g बाई टू, इसमें नीट के बच्चों के लिए मेरे पास एक शानदार ट्रिक, बता तुरंत बता भाई, ये पुस्तक तुरंत बता, जैसे मान लो कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं इसमें दो तीन एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, देखो ये मास m, मान लो 3m है, ये स्ट्रिंग, ये स्प्रिंग, मान लीजिए अगेन मैं स्प्रिंग, ये मास है, दूसरा मैं स्ट्रो स्प्रिंग ले लेता हूं, ये मेरे पास मास है, मान लो ये 4m 3m, यस आपकी मर्जी वैसे इस चीज को आप लो, यहां स्ट्रिंग है मान लो, ये ब्लॉक है, ये आपका 3m और ये मैंने ले लिया यहां पर 2m, अभी तक के जो नीट के प्रश्न आए, ठीक है, उनमें हमेशा अपन लोग लोअर स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को काटते हैं, तो क्या करें, अगर आपको तुरंत क्वेश्चन को बस पलक झपकते करना है तो जिस रस्सी को अपन ने काटा है ना उसमें तनाव निकाल लो, ठीक है, वो बहुत आसान है, इसमें तनाव ओनली लोअर वाला जो बॉडी है वो क्रिएट करेगा, तो इसमें तनाव कितना हुआ, ओनली mg, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिखने बता रहा हूं, यहां मान लो 4m है बेटे जी, यहां हो गया आपका 4mg, टेंशन हो गया, और इसमें कितना हो गया 2mg, अब बस कुछ नहीं करना है, आपका काम है जिस स्ट्रिंग को अपन काटते हैं उसका टेंशन निकाल लिया, टेंशन फाइंड करने के पश्चात जिसका आपको तोड़ निकालना है उसके मास को इसमें डिवाइड कर दो, अपने आप आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे इसका पूछ रहा हूं मैं तो कितना हुआ इसका mg / m, g आ गया, ठीक है, इसमें निकालना हो mg / 3m, g / 3 आ गया, इसका निकालना हो ये 4mg / 4m, g आ गया, इसका निकालना हो तो 4mg / 3m कितना आपका 4 आपका ये हो गया 4mg / 3m यानी हो गया 4g / 3 आ गया, इसमें निकालना हो तो ये 2mg / 2m, g आ गया, इसका आ गया आपका 2mg / 3 2g / 3, कहने का मतलब सुनो मैं कहना चाहूं, आपने कहा कि यहां mg है, यस, तो ये इसमें फोर्स निकाला तो mg / m कर दो, m तो g बच गया, इसमें निकालना हो mg / 3m, mg / 3m, mg किधर भाग लेगा, यस यस बिल्कुल सही बात है, तो आप कितने में क्वेश्चन हो, यस ओके डियर, वेरी गुड, थैंक यू सर, आगे चले अपन किशोर सर, ये दोस्तों मेरा मूल कॉन्सेप्ट आ गया, ग्राफ f और t, देखो सुनो रे, f इक्वल टू dp / dt, याद करो dp इक्वल टू f मल्टीप्लाई dt, जब दो डेटाओं में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया उन दोनों डेटाओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, आप कैमरे के अंदर है किशोर भाई, ध्यान सुन रहे, ये कर्व f और t के बीच है, ये मास्टर सुन रहे, थोड़ा और आपके मेरे अंदर आ जाए, f और t के बीच कर्व है, तो f और t का जो मल्टीप्लायर है वो क्या होता है, एक ही बात है, तो इधर चेंज इधर चल जाएगा, अब अगला कहता है दोस्तों कण का 10 सेकंड के पश्चात वेग क्या है, सीधे आ जाओ तो अपन इस बात को देखो, दो किस द्रव्यमान का एक कण प्रारंभिक विराम अवस्था में है, फिर समय के साथ परिवर्तित होकर एक बल पे कार्य करता है, बल समय चित्र दे दिया, कण का 10 सेकंड पश्चात वेग क्या है, ओके डियर, मैं इसका f मल्टीप्लाई dt निकालता हूं, मैं इसके निकालता हूं एरिया, तो पहले इसका निकालो एरिया, तो ये है 1/2 मल्टीप्लाई 10 इनटू 2 गुणा 2 ध्यान दे, ओके प्लस ये क्या है 10 मल्टीप्लाई 2 ये कितना है, तो इसमें दोस्तों एक तो बनेगा त्रिभुज, देखो तो त्रिभुज कैसे बनेगा, 1/2 आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है 10 प्लस एक बनेगा आयत, ये कितना है 10 गुणा 2 10 गुणा 2 प्लस फिर बनेगा त्रिभुज 1/2 कितना बना 20 मल्टीप्लाई 4 बस अब ले जोड़ दो सबको, इसको इसे कैंसिल आउट कर तो कितना आया 10 ये 10 20 ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर 10 10 प्लस 20 कितना हुआ 30 30 ये कितना हुआ 40 40
तो 40-30 70 और 20 100 हो गया। तो आपका टोटल एरिया क्या हो गया 100। टोटल एरिया 100 का मतलब डीपी का मान क्या हो गया 100। अगला साफ कहता 10 सेकंड पश्चात के वेग में कण का 10 सेकंड पश्चात का वेग क्या होगा। तो डीपी जो है तो डीपी को अपन एक काम कर सकते हैं एमडीवी भी कह सकते हैं। ये क्या है तेरा 100। तो दोस्तों डीवी का मान क्या आ गया भैया 100/m। लड़के m कितना है 2। तो इसका मान क्या आ गया 50। तो डीवी 50 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है 0। तो आंसर क्या हो गया 50। ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार की प्रॉब्लम ही एग्जाम में आती है। फंडा है कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया उन दोनों डेटाओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो पूरा निकाला मैंने, देख मैं ये सीधा भी कर सकता था लेकिन मंत्री ने क्या पूरा 100 निकाला मैंने इसका। फिर तू जानता एम डीवी 100, एम का मान डिवाइड कर दिया तो डीवी डीवी 50 है। डीवी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है 0। मेरा खुद कह रहा है विराम से स्टार्ट हो रहा है। यस स्टार्ट यहां से होगा 0 से होगा। चलो आगे। ओके आगे चलो भाई। ये फिर देखो दोस्तों क्वेश्चन करो पे आ गया। तो साफ कहता है इन द फिगर गिवन बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ पार्टिकल 0.1 ग्राम इज सो द इंपल्स एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। यहां पे इसका इंपल्स चाहिए। देखो दोस्तों इंपल्स का मतलब होता है डीपी। डीपी का मतलब अपन यूं कह सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप एम को बाहर ले लो तो आप यू भी कह सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो बच्चों स्टार्ट यहां से हुआ तो यहां इसकी स्लोप याद है ना एक्स और टी की स्लोप क्या होती है भूल गए क्या v इक्वल टू dx / dt। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4/2 इक्वल टू 2 और यहां स्लोप क्या होगी 0। तो दोस्तों इनिशियल तो है 2 फाइनल है 0 जाना ना यहां पर फाइनल क्या होगी 0 इनिशियल क्या है 2 और मास कितना भाई 0.1 तो आप दोस्तों इस मास की जगह 0.1 कर दो तो इसकी वैल्यू है 0.2 लेकिन माइनस देख यहां प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं ये हेलो के बहुत प्यारा क्वेश्चन है आंसर माइनस आएगा इसका क्योंकि परिवर्तन का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल इनसे होता है। ये तृतीया क्वेश्चन बट काट दें क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ए भी है एक ऑब्जेक्ट बी भी है। आगे चले चलो भैया। एक व्यक्ति किसी गतिशील ट्रेन में इंजन की दिशा में अब सुनो देखो इंजन इधर है मेरा मुंह इधर है एक सिक्का उछालता है जो कि व्यक्ति के पीछे जाके गिरता। सुनो ध्यान से ध्यान सुनना मेरा मुंह इधर है मैंने सिक्का उछाला मैंने सिक्का उछाला तो जब उछाला सिक्का तो मेरी स्पीड और इसकी स्पीड एक थी। अब वो सिक्का मेरे पीछे गिर गया इसका मतलब ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो मैं तो चला गया आगे सिक्का हो गया पीछे ट्रेन आगे की ओर गतिशील है इसकी चाल बढ़ जाती है। दोस्तों इसके अलावा इसमें कोई आंसर नहीं है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। ओके थैंक यू आगे चले। ओके तो किशोर आगे बढ़े चलो एबीडी फिर काम लेते हैं। देखो डियर इस प्रकार के प्रश्न में ये क्या पूछता है बाद की बात है। सबसे पहले आप सिस्टम का ए निकाल लो तो सिस्टम का ए तू जानता क्या होता है m2 m क्या है 5 3+1 4 5+4 मल्टीप्लाई जी तो दोस्तों ए इक्वल टू जी अपॉन 9 बस ये इस बॉडी का ओवरऑल क्या हो गया पुत्र एक्सेलरेशन हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगला क्या कहता है इस डोरी का टेंशन चाहिए अपने को इस डोरी का टेंशन चाहिए आजा बड़ा देख डियर ये तेरा ए ये तेरा बी ठीक है डियर तो ये तेरा टेंशन हो गया। अब सिस्टम ओवरऑल किधर जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है तो आप ऊपर की ओर जा रहा है सिस्टम तो एम वन ए किधर लगेगा भैया नीचे की ओर एम वन जी किधर लगेगा नीचे की ओर टी किधर है ऊपर की ओर तो टी इक्वल टू पुत्र क्या होगा एम वन ए प्लस एम वन जी तो टी इक्वल टू एम वन को एम बोल दे इसको तू ए प्लस जी बोल दे एम वन तेरा ए के जी है ए की जगह जी बाई 9 पुट कर दे ये तेरा जी है इसका दोस्त लघुतम ले 9 ये तेरा 10 जी हो गया तो आंसर हो गया 10 जी अपॉन 9। अब इससे सिंपल बात तो क्या हो बिल्कुल ओके थैंक यू नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर वो एक क्वेश्चन आ गया स्प्रिंग टूला एक बार सुनो यार इसमें 2-2 लगे हैं तो रीडिंग भी क्या आएगी 2 आएगी ज्यादा मत करो स्प्रिंग में दोनों तरफ फोर्स एफ एफ है रीडिंग भी क्या आएगी एफ आएगी एक अपने आप एक रूल सा बना लो उसका। आगे चलो अब देखो 0.5 केजी मास के फुटबॉल को एक खिलाड़ी किक मार के इतने मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील कर देता है फुटबॉल व पैर का संपर्क कितना लगने वाला बल आ जाए वीडू एफ बराबर देख डीपी बाई डीटी पूरी बात करें पूरी आपको किशोर सर ने कहा था कि रियल फॉर्मूला ये होता है भैया दोस्तों एम को बाहर निकालो दिस इज डीवी बाई डीटी ओके डियर एम बोले तो 0.5 डीवी परिवर्तन
परिवर्तन का मतलब पहले वेग क्या जीरो, जीरो फुटबॉल पर जीरो से कहा गया दस पे, दस जीरो बट दस, और डीटी कितना भैया एक बट्टा पचास, तो पचास को दोस्तों ऊपर ले ले तो इसको नीचे ले तो कैंसिल आउट हो गया 250 मीटर का आंसर हो गया। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा बार नीट में आई प्रॉब्लम भैया। आगे चलो, ये मेरा प्रिय प्रश्न है, फिर वो ग्राफ आएगा एम मास का कर्ण प्रारंभ विराम अवस्था में है, एफ है इधर टी है, फिर समय के साथ समय भैया कोई एफ बल टी के अंतर्गत लगाया हुआ है, जब बल लगना बंद हो जाता है तो कण यू वेग से गति देता है, चित्र में दिखाए गए वक्र में अर्ध चक्कर है दोस्तों, तो आपका इसका साफ कहता है तो कण वेग यू से गतिशील है, तो आपको दोस्तों उसका यू निकालना है, तो भी सीधी सी बात है भैया कहानी है एफ मल्टीप्लाई डी टी, ठीक है, तो अपन जानते हैं एफ मल्टीप्लाई डी टी इसका एरिया बन गया, एरिया बन गया। अब इसका एरिया दोस्तों क्या है आपको समझना पड़ेगा, इसका एरिया निकालने के लिए ये रेडियस अलग है ये अलग है, तो आप इसको पाई आर स्क्वायर नहीं बोल के आपको बोलने का पाई आर वन आर टू बाई टू, बस ध्यान देना सर्किल होता एरिया होता पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर बाई टू, बट यहां दोस्तों थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया ये क्योंकि इधर कुछ और है इधर पाई है, तो आर वन इसको मान ये तो बना तेरा टी बाई टू, तो ये तेरा क्या बना एफ नोट, एक टू पहले से है तो फॉर्मूला हो गया दोस्तों पाई टी एफ नोट अपॉन फोर, किसके बराबर हो गया दोस्तों ये समय का परिवर्तन, समय का संवेग का परिवर्तन हो गया। अब धांतरण ये कौन है, ये एफ है और टी का मल्टीप्लाई है धांतरण क्लास, ये कौन है, अरे जल्दी बोलिए नहीं, ये एफ डीपी बाई डी टी है, ये दोस्तों डीपी बराबर एफ मल्टीप्लाई डी टी है, ओके डियर आपको क्या चाहिए एम डी यू इक्वल टू एफ डी टी, आपको डी यू चाहिए ना, तो इसे एम को इधर लाना पड़ेगा आपको, तो इसमें एक एम से भाग दे दो तो एम से डिवाइड कर दो, तो ये आपके सामने आएगा पाई एफ नोट टी बटे, ठीक है ये अच्छी प्रॉब्लम क्या बन गया। आगे चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में ये पूछता है कि अधिक बल किसको लगाना पड़ेगा, भाई पुली जितनी बढ़ती जाती है उतना फोर्स कम होता है, पुली लिखती इसलिए है भाई वज्र जोर कम आएगा तो इसमें फोर्स ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन आपका 33 बहुत इजी था। अब आगे चले दोस्तों क्वेश्चन 34, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन क्या लो, वो कहता है एलिवेटर में ए त्वरण से नीचे गति कर रहा है ताकि मास एम जो है वो फर्श पे एम जी बाई फोर बल लगाए, आप एक बार पेज खाली करें भैया, देखो डियर हकीकत आप ऐसा है, देखो सिंपल माना कि कोई एम मास का पिंड रखा हुआ है ऐसे, तो इस पे एम जी किधर लगेगा नीचे की ओर, आर किधर लगता है ऊपर, ये कब होता जब ये बॉडी रखी हुई है। अब आप इस क्वेश्चन में आओ देखो दोस्तों, ये आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट में आपका एम मास रखा हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है एम जी तो किधर है नीचे की ओर, इसका आर किधर है ऊपर की ओर, बट ओवरऑल बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो सूडो फोर्स एम ए किधर जाएगा ऊपर की ओर, और इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है एम जी बाई फोर, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं आर ऊपर की ओर एम ए ऊपर की ओर और एम जी नीचे की ओर, और आर का मान अगला खुद कह रहा है, पीछे देख रहा है बेटा आर का मान खुद कह रहा है एम जी बाई फोर, आर का मान दोस्तों खुद कह रहा है एम जी बाई फोर प्लस एम ए इक्वल टू एम जी, एम ए इधर रखो एम जी में से एम जी माइनस फोर निकालो, एक में से एक बटा चार जाता है तीन बटा चार बचेगा, कुछ खोला बेटा तीन बटा चार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ओके डियर पेज खाली करना भाई। एक चीज मेरे दिमाग में किसी और आ गई, अपन एक काम करते हैं एक इस प्लेन की एफबीटी बच्चे को बना के दिखाते हैं, ये बहुत काम का है, पहली बात तो सुन लो दोस्तों इस का स्लोप मान लो थीटा है और यहां पर कोई बॉडी है जो इसका सेंटर है, एक बात सुन लेना जब कोई बॉडी ऐसे गिरती है तो जी है, लेकिन दोस्तों जब भी कोई बॉडी किसी थीटा इंक्लाइन प्लेन पे मूव करती है तो यहां जो दोस्तों ए है वो हमेशा जी साइन थीटा बन जाएगा, आज की क्लास का श्रेष्ठतम बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत प्यारा पॉइंट है आज की क्लास का श्रेष्ठतम है ये, यदि ऐसे भी आप जी है तो भाई मेरे इंक्लाइंड प्लेन थीटा है तो ए क्या बन जाएगा जी साइन थीटा, बस अब मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग तेरे को समझा दूं इसको, देख भाई एक लाइन ये खेच एक लाइन ये खेच, ये तेरे सामने सामने लंबो तो हमेशा क्या आएगा एम जी,
और एक लाइन आप ऐसे खींचना चाहो तो एक लाइन आप दोस्तों ऐसे भी खींच सकते हो। अब तू कह रहा ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है। ये तेरा कोण है भैया आर, ठीक है डियर। अब तेरे सामने सामने ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, तो ये तेरा क्या बन गया mg cos थीटा और ये तेरा बन गया mg sin थीटा। ध्यान दे क्लास, ये तेरा क्या बन गया mg, ये क्या बन गया तेरा mg cos थीटा, ये क्या बन गया mg sin थीटा। इसको मिटा देता हूं मैं एक बार डियर और आपके सामने अब बैलेंस करूं कि r इक्वल टू क्या है mg cos, r इक्वल टू है mg cos थीटा, r इक्वल टू mg cos थीटा। और ये जो फोर्स है इधर क्या लग रहा है mg sin थीटा, बॉडी इधर मूव कर रही है, सुडो फोर्स इधर लगेगा कितना ma, ठीक है डियर, ma उधर लगेगा। तो तेरे सामने सामने एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा mg sin थीटा इक्वल टू क्या जाएगा ma, m sin कैंसिल आउट कर दे, देख a इक्वल टू g sin थीटा, तो r इक्वल टू यहाँ mg cos थीटा हो जाता है, a इक्वल टू यहाँ g sin थीटा हो जाता है। ये एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा आगे और लो, अब मैं इस बॉडी को, इस बॉडी को इस तरफ है बीटा b त्वरण से चलाऊ, यस, इस बॉडी को इधर मैं b से चलाऊं, ये आपका मान लो b है, इसको मैं b से चलाऊं तो ये स्लिप नहीं हो, तो तेरे सामने सामने इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट क्या आएगा इसका भाई b cos थीटा। ध्यान दे क्लास, ये आएगा b cos थीटा और दोस्तों ये इसका आएगा इधर b sin थीटा। अब कहता बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका मतलब r की वैल्यू जो बनी वो बनी mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा। ये इसका बैलेंस हो गया और इसके बैलेंस की बात करो तो ये आपका ma प्लस b को m से गुणा करना पड़ेगा, m तो होगा होगा, ma प्लस mb cos थीटा इक्वल टू क्या करोगे दोस्तों mg sin थीटा। ma नहीं रहेगा ना, अब अपन ने a ये मान लिया ma प्लस mb cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा और ये सिस्टम अब दोस्तों आपके सामने खत्म हो गया इसका, क्योंकि बॉडी तो स्थिर अवस्था में आ गई ना, तो mb cos थीटा ये आपके सामने है, mb cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। तो डियर m से m आप कैंसिल आउट कर दें तो आपके सामने सामने आ गया b इक्वल टू g tan थीटा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, b इक्वल टू g tan थीटा और इसको थोड़ा और सोल्व करें तो r की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों mb sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो ये कई सारे एफबीडी हैं जो मैंने एक के अंदर ही पूरा समझा दिया, ये बहुत प्यारी सी बात है कि फिर ये ma जीरो हो जाएगा। तो आप खुद क्या कह रहे हो कि बॉडी क्या है स्थिर होगी, ठीक है, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल ये बहुत याद रखना पड़ता है b = g tan थीटा। वैसे देखा जाए तो याद रखना है कि किसी इंक्लाइन प्लेन को चलाना शुरू कर दो बताओ क्या संबंध होगा, तो b = g tan थीटा। ये मैंने पूरा समझ रहेगा दोस्तों, प्रयास आपको किया है, ओके डियर, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए बेटा जी, क्वेश्चन आओ बेटा जी, पीछे आओ, पीछे क्वेश्चन 34 में आओ, 34 में आओ, 34 अपना हो गया, yes. आगे चलो 35 पे आ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूं पूर्ण रूप से इसके सोल्व आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पर अपने क्वेश्चन पर पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप पढ़ ले मेरे साथ। ए 50 केजी पर्सन स्टैंड्स ऑन ए 25 केजी प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म हमारे पास है जिसका मास है 25 केजी का प्लेटफॉर्म है, तो क्या इस पे फोर्स आपका लग गया 250 न्यूटन, 250 क्योंकि जी से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। दूसरा ये जो मैन है इसका वेट है बेटा 50, हाँ। तो इसका भी वेट है, नीचे मैं अप्लाई कर देता हूँ साथ, चलो ये हो गया आपका 500 प्लस 500 न्यूटन न्यूटन। अब इन क्वेश्चनों में कॉम्प्लेक्सिटी से बचना, मान लो जितना जटिल आप पूरा प्रश्न पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 50 केजी का व्यक्ति 25 केजी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वह प्लेटफॉर्म से घर्षण नहीं होता नीट में, घर्षणहीन गिरणियों द्वारा जुड़ी रस्सी को खींचता है, तो प्लेटफॉर्म नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करेगा, प्लेटफॉर्म है वो नियत त्वरण से ऊपर गति करेगा यदि व्यक्ति बल से रस्सी को खींचता है, तो व्यक्ति किस बल से खींचता है। तो अब इसमें इजीनेस के लिए क्या करते हैं, इस बंदे को आप यहां से हटा दो और इसको रस्सी मान लो, ठीक है, तो इसको रस्सी मान ले लो तो खत्म खेल। रस्सी मानते ही अब आप जानते हैं एक रस्सी एक तनाव, यस, दो रस्सी एक रस्सी एक तनाव,
एक मान लें इसको, यहाँ टेंशन आपका टी हो गया तो ये भी टेंशन आपका टी है, यहाँ से भी इसका आप टेंशन टी तो ये आपका टी हो गया, यहाँ भी टी तो ये भी आपका टी टेंशन हो गया, यहाँ पर भी टी और ये भी टी हो गया। अब देखो इस प्लेटफॉर्म पर नीचे फोर्स कितना आपका 750 न्यूटन, ऊपर कितना देखो अगर इसमें यहाँ रस्सी अलग आ गई इसको ऊपर मान लो यदि बैलेंस करते हैं, इसे पीछे अपने बात करी थी इसको अपन इस तरह से बैलेंस करेंगे तो देखो ये 2t ऊपर है नीचे आपका ये वाला, मैं इसको टी डेस मान लो तो टी डेस कितना आपका हो गया 2t, तो अब इसके ऊपर कितना 2t और ये आपका टी, तो कुल मिलाकर के प्लेटफॉर्म पे ऊपर फोर्स आपका 3t और ये टोटल है आपका 750 न्यूटन। तो ऐसे होने से टी आपका हो गया 250 न्यूटन। अब पूछा क्या है, पूछा अपन से है कि ये बंदा है वो कितना फोर्स लगा रहा है, वो तो टी है, इसलिए इसका आंसर अपन 250 न्यूटन इजीली कर पाएंगे, तो आंसर इसका सेकंड बन जाएगा। देखो बात का मजा आया, इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए किशोर सर से करवाए, एक प्री क्वेश्चन किशोर का, देखो यहाँ टी टी कितना है टी, यहाँ कितना है 2t, टोटल कितना है 3t, किसको बैलेंस करेगा वो 750 को, टी की वैल्यू क्या आ गई 250 न्यूटन तो रहेगा। यस बोलो हाँ ना, आया बात का मजा, थैंक यू किशोर सर, आगे चले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है ना, शुद्ध फिजिक्स है लेकिन केवल और केवल इसमें अपना पर्सनल एक जो अपने सिक्स सेंस कहते हैं ना, व्यवहारिक लाइफ लगानी आपको। देखो ये रस्सी है, इस पे लटका हुआ बंद 20 किलो का, 25 किलो का द्रव्यमान लटकाते हैं तो रस्सी नहीं टूटती, 25 से ज्यादा आपकी रस्सी टूटती है, इसका मतलब इस रस्सी का जो सामर्थ्य है वो 25 kg वेट में है। अब वो कहता है अधिकतम त्वरण क्या हो जिसके बंदर, देखो अब बंदर पहली बात ये बंदर है, अब ये बंदर ऊपर चढ़ाओ, पहले बात तो नीचे उतरते समय कभी टूटने का चांस नहीं है। अब बंदर ऊपर जाए तो दोस्तों बंदर ऊपर जाए तो एक तो mg ऊपर की हो, एक जो नीचे की हो और ma भी नीचे की हो, इक्वल टू 25g जी, यस सीधा कर दिया, ये मास बंदर का है, बंदर ऊपर जा रहा है ना, शुडो फोर्स के नीचे mg भी नीचे की हो, ma भी नीचे की हो, बंदर कितने का भैया 20, ये तेरा g प्लस a इक्वल टू 25g, खैर इसको तो पढ़ ऐसे गड़बड़ कर दिया, 20g प्लस 20A इक्वल 25G, तो दोस्तों 20A इक्वल टू 5G, तो A इक्वल टू G बटे 4, और G बटे मतलब है कि दोस्तों ये अधिकतम टेंशन बर्दाश्त 25G कर सकता है, बंदर ऊपर जा रहा है तो शुडो भी नीचे की तरफ और आपका MG भी नीचे की तरफ, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ओके डियर आगे चले। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक FBD बनाएंगे, देखो भाई पहले समझने की कोशिश कर, जब सिंपल आपकी पुली थी क्लास का, ये पुली M1 ये पुली M2 और स्पोर्ट को इधर जा रही है, तो इसका A का फॉर्मूला आया था बड़ा माइनस छोटा अपॉन टोटल, बड़ा प्लस छोटा मल्टीप्लाई जी, ध्यान दे क्लास, बड़ा माइनस छोटा बटे दोनों का जोड़ इक्वल टू जी। एक बात मैं यहां पूरी कर देता हूं और इसको मैं हटा देता हूं। अब दोस्तों मैं इस प्रश्न पे आता हूं, ये वही अपने को पूरी बनानी पड़ेगी, इससे एक मास M1 जुड़ा हुआ है, इससे एक मास M2 जुड़ा हुआ है, ये एंगल तेरा अल्फा है, ये एंगल तेरा बीटा है, तो दोस्तों इधर ये दोनों टेंशन और इधर ये दोनों टेंशन, क्यों yes. कर रहा हूं yes. ये तेरा DT और सिस्टम माना कि वो तेरा M2 जो है वो M1 से बड़ा है, तो सिस्टम तेरा ओवरऑल माने कि इधर आ रहा है, किससे आ रहा है, A से आ रहा है। अब मैं कलर चेंज कर दूं, ध्यान से लो, लास्ट क्वेश्चन है, हम भी थोड़े थक गए, आप भी थक गए देखते देखते। अब इसके बनाओ FBD, इसकी FBD बनाओगे तो दोस्तों एक फोर्स इधर है yes. एक फोर्स इधर है, तो तेरे सामने सामने मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन जी नहीं होता है, वो जी साइन में चेंज हो जाता है, तो तेरे सामने बॉडी उधर जा रही है, तो छोटो फोर्स इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो एक तो इस पे लगेगा M1g sin alpha प्लस M1a multiply t, टी उधर है ना yes. ये फिक्स है, अब निकाल दो आपको मैंने जी की जगह कौन आएगा, जी साइन थीटा, अब इधर आ जा, इस पे तेरा क्या है देख, बोल बोल M2g sin beta नीचे आ रहा, तो और इधर आ रहा है शुडो की जाएगा ऊपर, तो शुडो ऊपर जाएगा तो माइनस M2a इक्वल टू टी।
एक इक्वेशन दोस्तों ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब आप दोनों को बराबर कर दो, तो दिस इज एम वन जी साइन अल्फा प्लस एम वन ए इक्वल टू एम टू जी साइन बीटा माइनस एम टू ए। हमें क्या चाहिए, ए को एक तरफ करो, उसको उधर ले जाओ, तो ये तेरे सामने एम वन ए प्लस एम टू ए, ये तेरा क्या है एम टू जी साइन बीटा माइनस एम वन जी साइन अल्फा। अब सीधा कर दो भाई, तो ए निकालना हो तो देख जी बाहर ले ले, ये तेरा बना एम टू साइन बीटा गुणा एम वन साइन अल्फा अपॉन एम वन प्लस एम टू, और इस पूरे को दोस्तों जी से मल्टीप्लाई कर दो। कहने की बात यह है रे दोस्तों, वहां एम टू माइनस एम वन था, सीधा फंडा है, इस मास को इसके कोण से गुणा कर दो, इस मास को इसके साइन के कोण से गुणा कर दो। ओके डियर, हो गया मेरी बात पूरी। अब तू आ जा तेरे क्वेश्चन पे आ जा भैया, तेरा क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तो तेरे सामने सामने अल्फा इक्वल टू तो 30 डिग्री हो गया और बीटा इक्वल टू यहां पर 90 डिग्री हो गया। ये तेरा एम है, ये तेरा 2m है, तो बड़ा कोण है 2m, तो दोस्तों 2m गुणा साइन 90, 2m गुणा साइन 90 माइनस m गुणा साइन 30, साइन 30 मेरा साइन 30, M1 प्लस M2 क्या है 3M, इसको G से मल्टीप्लाई कर दे। तू जानता साइन नंबर एक होता है, ये 2M है, और ये साइन किसका होता है एक बट्टा दो, तो दो में से एक बट्टा दो गया, कितना बचा तीन बट्टा दो, तीन से तीन कैंसिल आउट हो गया, तो दोस्तों A की वैल्यू आ गई तेरे सामने सामने G by 2। अब और तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट आंसर आ गया। तो ये हमने पूरा बता दिया कि किस वक्त, सब मजा आया पूरी कहानी समझाने से। ओके डियर, आगे चले अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा जी। ये साफ कहता है two pulley arrangement are shown figure A and B. The rope in both are arrangement in massless. बार बार कर रहा हूं मैं, rope massless, spring massless, friction less. The ratio of acceleration of mass m in case A and B. तो देखो दोस्तों, A का तो मैं बता दूं, B का आप किसी से बता देंगे। A का तो सीधा सीधा फंडा भैया, 2m माइनस एम अपॉन 2m प्लस एम जी, तो दोस्तों इट बिकम ए इक्वल टू जी बाई 3, इसका तो आ गया ए इक्वल टू जी बाई 3। अब किस सोर्स से आप बताएं, ये f इक्वल टू 2mg है, इसका क्या मतलब है, इसको अपन यहाँ खींच रहे हैं, हाँ। तो किसी भी रस्सी को अपन जैसे खींचते हैं तो खींचते हैं तो उतना ही ठीक अपोजिट टेंशन क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल जाता है। यहाँ पे इसका टेंशन आपका टी 2mg हो गया, तो यहाँ क्योंकि अपने किसी ब्लॉक को लगा रखा नहीं है, हाँ। तब ये इंटरेस्टिगेशन बन गया, इसका मतलब यही टेंशन ट्रांसफर होकर के खींचने वाला है, यही इसके खिंचाव बल है, सही सही है। तो ये आपका हो गया 2mg। अब इस पे नेट फोर्स आपका 2mg है, ठीक है, टेंशन के फॉर्म में नीचे आपका mg हो गया, तो 2mg माइनस mg इक्वल टू mg, mg हो गया, m बस डन द क्लास। ये क्या है 2mg, इधर 2mg, ऊपर भी 2mg, तो यहाँ भी 2mg, तो यहाँ भी 2mg, तो 2mg ऊपर की ओर, mg नीचे। दोस्तों हकीकत देखा जाए तो यहाँ जो फोर्स है वो रियल में कितना है mg है, और mg इक्वल टू क्या करें ma, तो दोस्तों a इक्वल टू क्या हो गया g, तो यहाँ तो है g बाई 3 और वहां है g, तो g बाई 3 अपॉन g आंसर आ गया दोस्तों एक अनुपात, बिल्कुल बात ना सुनना, ये 2t है, मतलब सॉरी 2g है, तो यहां भी 2g m से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2mg। अब तू जानता जब तक मास नहीं आता तब तक टेंशन चेंज नहीं होता। ओके डियर, थैंक यू, आगे चले 39 पे आ जाओ। देखो ये मास नगण्य है, फ्रिक्शन नहीं है, देखो सब कुछ वही है, साफ कहता फ्रिक्शन लेस है, मास नेग्लिजिबल है, लेकिन नीट का मतलब यही है, एक स्प्रिंग लटकाएगी भैया, 1 kg में 5 kg द्रव्यमान लटका दिए, एक डोरी जो गिरने के ऊपर के ओर जा रही है, एक डोरी जो गिरने के ऊपर से जा रही है, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के कारण गतिशील है, गति के दौरान स्प्रिंग तुल्य का पाठांक क्या है, कह रहे हैं सिस्टम कहां जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये तो बात है ना, यस। देखो साहब कहता है एक डोरी जो गिरने के ऊपर से जा रही है, एक डोरी तो रेस्ट में है, हाँ, रेस्ट में, सॉरी रेस्ट में है, तो ये आपके सामने है, तो सबसे पहले पुत्रों इसका ए निकालो, तो ए क्या होगा 5 - 1/5 + 1 × g, तो भैया ये तेरे सामने आ गया 2/3g, यस। ओके डियर, अब ये 2/3g क्या है, इसका एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन है, तो अब क्या करेंगे आगे, यही इसको तनाव पैदा करेगा, इससे अपन टी निकाल लेंगे, टी निकालेंगे, जो निकालेंगे ठीक है, से निकालेंगे, टी का फार्मूला भी जैसे बेसिक होता है आपका 2m1 m2 अपॉन m1 + m2 / g / g, ठीक है। अब ये टेंशन टी और टी, तो इसमें टेंशन
टूटी टूटी, इसका जो रीडिंग जो हुआ रीडिंग बोलेंगे वो आपका टूटी है, टूटी है, तो ये हो गया आपका फोर टाइम्स इसका, फोर एम वन M2 into C, 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 M2 into C,
206 तो 206 बोलो तो 206 ने जी में आंसर दिया है 10 भूल जाओ यस यस 10 भूल जाओ तो आपके सामने क्या है 20/6 है 10/3 है तो आंसर क्या हो गया भैया आपका सेकंड हो गया। यहाँ आपने एक फालतू निकाला बिल्कुल एक की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों यहाँ अगर टी निकालना है देखो इसका टी और इसका टी तो यहाँ क्यों क्या आ गया 2T और ये टी का फॉर्मूला होता है भाई याद रख ले नहीं वैसे जैसे आपने वो ए लिया था ना आपने ए निकाल लिया था अब एक किसी एक से इसको टी निकाल सकते हैं ता सुनो जब ए का फॉर्मूला होता है ना m1 - m2/m1+m2 × g बस टी का फॉर्मूला होता है 2m1 m2/m1+m2 × g बट ये 2t का हो गया 2t हो गया यस ठीक है ओके डियर आगे चले ये जो मैंने अभी बनाया एमपीटी को क्वेश्चन है इसमें एक ट्रिक बताऊं बहुत से नहीं ये सिंपल कर दिया आपने नहीं इसमें ट्रिक दो हां बताओ क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताएं ट्रिक बताएं दो इसमें ये बनता है कि एक तो इसके साथ चले हां एक आता है क्वेश्चन ये गिर जाए सही है फ्री फॉल आ जाए ठीक है तो दो क्वेश्चन इसमें है तो उसमें दोनों क्वेश्चन में आप देखो इसको ऐसे करा करो एक तो है दोनों के साथ साथ चलना ठीक है एक है गिरना ठीक है अब फॉर्मूले में जैसे अपने पास है जी ये 10 का एक रिलेशन है ठीक है अब इसको साथ रहना है या गिरना है ठीक है तो देखो एक तो है g tan थीटा ठीक है एक है g by tan थीटा ठीक है साथ साथ है तो साथ साथ है और गिरना तो गिरना तो गिर गया बस tan को नीचे कर दो नीचे भाग दो बेसिकली आपके आंसर थैंक यू ये काम चीज है आगे चले दोस्तों आज के NLM का आखिरी क्वेश्चन और बड़ा मस्त क्वेश्चन क्या कहता है कि भारी वह घर्षण पी से गुजरती डोरी है हुक से बंधी हुई है दूसरा सिरा स्वतंत्र है अधिकतम टेंशन 360 है 60 केजी का बंदर और भाई 60 केजी का बंदर का मतलब है 600 न्यूटन तो बंदर इस रस्सी को पकड़ते रस्सी टूट जाना चाहिए बट वो कहता है कि धीरे धीरे उतरे ताकि रस्सी टूटे नहीं तो भाई सिंपल सी बात है आपको नीचे उतरना है नीचे उतरना है तो mg किधर नीचे की ओर सुडो फोर्स किधर ऊपर की तरफ ऊपर की ओर इक्वल टू कितना 360 बस m को बाहर निकाल ले g माइनस a इक्वल टू कितना है 360 तो तेरे सामने g माइनस a इक्वल टू 360/60 है तेरा 6 तो डियर एक उधर ले जा g माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 4 4 m/s² आंसर क्या हो गया भैया 4 m/s² ओके डियर ये आपका लास्ट क्वेश्चन था ओके आपके क्वेश्चन पूरे हो गए तो आज फिर एक अच्छा पॉइंट NLM दोनों ने मिलके आपको मैटर दिया है कोशिश की है कि टॉपिक पूरा आपका तैयार हो जाए दोस्तों फिर मिलते हैं छठे टॉपिक में अगले टॉपिक में आपसे बात कर रहे हैं दिवाली से पहले अब एक वीडियो आपके पास और आएगा 9 नवंबर का दिवाली की तो छुट्टियां रहेंगी 6-7 दिन तो हमारा निवेदन है कि 26 अक्टूबर से लेकर दिवाली से पहले जो हम गुरुनीति की वीडियो अपलोड कर रहे हैं दीपावली छुट्टी में आपने सबको देख लो ताकि दीपावली बाद हमारे साथ आप ढंग से चल सको थैंक यू जय श्री कृष्ण।